Bismillah, let's begin with the questions. Till I open them, let's take live questions, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have a bit of an agenda today. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. We are opening the superior psychology regime. जी आपका लीजिएगा एक सेकंड सुन लीजिएगा इस टॉपिक से रेलेवेंट रखिएगा भी बात. Superior psychology की ट्रेनिंग शुरू करने लगे हम इंशाल्लाह सितंबर से on all public forums. जहां जहां पे भी हम जाएंगे superior psychology इस्लाम किस तरीके से superior psychology का वाहिद सलूशन है. सुपीरियर साइकोलॉजी के अंदर आप किसी और तरीके से भी टेम्परेली आ सकते हैं मगर एक परमानेंट साइकोलॉजिकल सस्टेनेंस जो है इस्लाम देता है और जिस तरीके से वो बागी के इस वक्त के करंट वर्जन ऑफ जो क्रिश्चियनिटी का करंट वर्जन ऑफ जुडाइज्म है और किसी भी और लेवल के ऊपर जो सिस्टम नाफिज हैं इस्लाम कहाँ से मुनफरिद है कहाँ कहाँ से मुनफरिद है और कैसे अपने फॉलोअर्स को सुपीरियर साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेन करता है. ये हमारी आइंदा से हर एटलीस्ट सितंबर पूरा महीना हम इसके ऊपर सेशन रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह. तमाम लाइव सेशन पब्लिक फोरम्स यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं सो आई विल बी इंशाल्लाह गोइंग टुवर्ड्स बैक टू द यूनिवर्सिटी बैक टू स्कूल. तो सुपीरियर साइकोलॉजी का टूर होगा मुस्लिम आइडेंटिटी के अम्ब्रेला के अंडर. मुझे मीटिंग रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट मत भेजें मीटिंग रिकॉर्ड हो गई. ओके जी आप पूछिए. सो लेट्स एनालाइज द मुस्लिम थॉट लैंडस्केप साइकोलॉजिकल लैंडस्केप क्या है. सवाल एक सेकंड पहले मैंने एक सवाल करना है फाइज फैज या फाइज जी फाइज FAIZ फैज फैज माइक्रोफोन अनम्यूट करें. सर मत करें जी आप लोग कुछ जी सर एक क्वेश्चन था मेरा लास्ट सेशन में जिस तरह आपने बताया था कि जो स्कैंडिनेवियन वुमेन थी जो बचाने गई थी गजा के लोगों को तो हेल्प करने गई थी तो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया था वो ये था कि हम जैसे मुस्लिम्स हैं हमें ये पता है कि हम लोग अच्छा बुरा करेंगे जन्नत या जहन्नम में जाएंगे तो इन लोगों का किस तरह हिसाब होगा कि ये लोग अगर तो क्रिश्चियंस हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं तो ये इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उनका किस तरीके से हिसाब होगा उन क्योंकि सारे अगर मुसलमान ही का हिसाब होगा तो इन लोगों का क्या किस तरीके से इन अल्लाह पाक इनको जज करेंगे जो नॉन मुस्लिम है जो अच्छे काम करते हैं कौन जाएगा जन्नत में कौन जाएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता ये तो हाँ जी बिल्कुल ये जन्नत में जाए या नहीं जाए ये मैं तो नहीं कह सकता. कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको ये इजाजत मिली. हाँ क्वेश्चन ये है कि जो पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे कब्र के अंदर जिनमें तीन एसेंशियल है कि तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये इनसे भी तो पूछे जाएंगे ना खाली सिर्फ मुसलमानों से पूछे जाएंगे. क्या नाम है आपका. नीलम. नीलम कबर में हिसाब होगा कबर में फैसला नहीं. ओके फैसला जी वाले जी दिन होगा. ओके लेकिन कहते हैं हम मैंने अपने बड़ों से जो ऑब्वियसली यही कहते आए कि जो जो पहले दो सवालों में पास हो गया तीसरे में फेल हो गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना पहचान सका तो वो टोटली फेल हो गया. अगर आप तीसरे में पास हो गए हो तो पहले दो अगर आपके हो भी गए हैं ऊपर नीचे क्वेश्चन तीसरे में अगर पास हो गए हो तो देयर इज अ चांसेस कि आप पूरे हिसाब में पास हो जाओगे तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन. रुके नीलम ये किसने आपसे कहा कि हम मुसलमान को पहचान ले तो हम बाकी के सारे बेशक हम हजार कत्ल करके गए हुए हूँ इस्लाम के खिलाफ दुश्मनियां करते हूँ. जी बिल्कुल यही क्वेश्चन मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसे ये हम मीठी गोली वाले मौलवी बस कुछ करना ना पड़े दुनिया में ये वो लोग हैं
ये वो मौलवी साहब हैं ये, जिनको अपनी अना के मसले पड़े हैं, खुद छोटे बोने, इन हाँ बोनों ने ये नया वर्जन निकाला है इस्लाम का। सहाबा एंड तक हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत हुजैफा बिन जमान के पास आखिरी अय्याम तक जाते रहे कि मेरा नाम जी मुनाफिकों में तभी था। इनको जी पहले जी से पता है बिल्कुल कि ये जन्नत में जाएंगे, बस कब्र में वो ये बता देना ये मनहा रुजल का जवाब देना, ये मेरे नबी है बस, और पास हो जाएंगे आप। हाँ जी बिल्कुल ये टेक्निक्स में ना आना है, ये वो हैं जी आलिम जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि ये कुछ हिस्से छुपा लेते हैं किताब की मेरी और कुछ हिस्से जाहिर करके बताते हैं, ये वो हैं भाई। एक और ये। क्वेश्चन कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, एक मेरे मैं एक बच्चों से सवाल करूं रिलेटेड है। जी, ये कौन है जो मीटिंग रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मुझे बार बार भेज रहे हैं? मत करें, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मीटिंग, आपने क्यों करनी है रिकॉर्ड? जी जो ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जरा माइक्रोफोन पे आके मुझे बता दें, कोई और वजह है तो मुझे, मैं अलाउ कर देता हूं। माइक पे भी नहीं आना आपने, शाबाश, आपके माइक्स मैंने ऑन रखे हुए हैं आज। चल मीटिंग रिक्वेस्ट मत भेजिए प्लीज। जी सर एक और क्वेश्चन कर लूं अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जल्दी करें। जी, मेरा अपने बच्चों से रिलेटेड था कि हम लोग चूंकि क्योंकि यूके में रहते हैं ना, तो मैंने आपके सारे सेशन सुने हुए हैं, लेकिन यह है कि फिर भी स्टिल आई एम बिट कंफ्यूज कि जैसे 6 साल का बच्चा है उसको किस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं। वैसे उसको समझ तो आती जा रही है कि अल्लाह है और ये सारी चीजें हमें अच्छी बुरी करनी है, लेकिन फिर भी स्टिल आई एम कंफ्यूज क्योंकि आपने कहा था उनको अरबिक सिखाओ। अरबिक तो वो कायदा तो पढ़ रहा है, लेकिन उसको मुझे बताने में मुझे लग रहा है कि वो उस लेवल पे नहीं आ रहा जहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं उस 6 साल के बच्चे को इंट्रोड्यूस जैसे इस्लाम करवाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं कंफ्यूज थी, मैंने आपके सेशंस भी देखे हैं इस पर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी। अगर आप इस पर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो। 6 साल का, एक 5 साल का बच्चा, मेरा बच्ची है बच्चा है मेरी दोनों। दरख्वास्त है, मुझे बार बार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है आप मीटिंग रिक्वेस्ट जब भेजते हैं और मैं डिक्लाइन भी करूं तो, आपको प्लीज मेरी दरख्वास्त है मीटिंग रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट या कोई और रिक्वेस्ट मुझे मत भेजिए, मेरी स्क्रीन वो फ्रीज हो जाती है। मजलिस के आदाब है प्लीज, उसको मलूज खातिर। जी 5 साल का बच्चा है और 6 साल का बच्चा है, क्या करना आपने उनको? सर उनको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है इस्लाम को, मैं थोड़ा थोड़ा करवा तो रही हूँ। मैंने आपके बहुत सारे सेशन इसके में देखे भी हैं और थोड़ी सी मुझसे गलतियां भी हुई थी जो पहले 5 साल में होती हैं पहले बेटे के बारे में, लेकिन फिर मैंने उनको ओवरकम करके उनकी तरबिया में अच्छी चीजें डालने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने अपनी तरबिया की थी फर्स्ट फिर उनकी की थी। तो अब लेकिन स्टिल मुझे लगता है जब मैं दूसरे लोगों को कंपेयर करती हूँ ना कि उनके बच्चे मोर टूवर्ड्स इस्लाम है एज कम्पेयर टू माइंड, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उनको मैं और करूं, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम भी मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रही हूँ, उनका टीवी वगैरह नहीं देखने देती, और लेकिन फिर भी मोबाइल और ये टैबलेट वगैरह थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं वो जब उन्होंने पढ़ना होता है, तो स्कूल की तरफ से भी उनको काम मिलता है इसी हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे वो लेवल नहीं आ रहा वो देना दे पा रही जो कि इस्लाम उनको इंट्रोड्यूस इस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हमें तो खौफ था ना कि अल्लाह पाक हमें मारेंगे जो बचपन में हमें दिया जाता था, लेकिन मैंने उनको ये वाला नहीं दिया। मैंने आपका वो क्वेश्चन सुना था कि आपने ये नहीं देना बच्चों को, तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना आ रहा, और 6 और 5 साल के बच्चे को किस तरीके से करूं कि वो उनकी सहाबा के जिस तरीके से हम सीरा पढ़ रहे हैं अपने IMS में, मैं उनको वो बता सकूं, मैं उस लेवल पे आ नहीं पा रही। पढ़नी आप जी हम IMS में पढ़ रहे हैं, ग्रुप है हमारा। के बच्चों को इस वक्त ना सिर्फ जबान सिखाएं, अरबी सिखाएं और स्टोरी सुनाएं, बस वैसे स्टोरी सुनाएं जबान सिखाएं, तो घर का माहौल है उसके अंदर तहजीब और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तहजीब मतलब तमीज से बात करना, बड़ों का अदब करना, इस वक्त वैल्यू सिस्टम के अंदर 5 साल के बच्चे को आपने और क्या सिखाना है? और कैसे आपको पता चलेगा कोई और 5 साल का बच्चा कंपेयर किया आपने और वो ज्यादा मोमिन निकल आया आपके बच्चे से? 7 साल के से कम हर बच्चा और हर बच्ची मोमिन होती है, बस उसकी ना टेंशन लो, ठीक है? मगर ये वाला वक्त जाया मत कीजिएगा कि इस उम्र में जो जबान सीख लेगा जितनी जल्दी, उतनी जल्दी बाद में नहीं सीखेगा।
इसलिए इस वक्त फोकस करें लैंग्वेजेस पे, ज्यादा से ज्यादा जबानें सिखाएं। प्रायोरिटी वन अरबी, अल अरबिया, ठीक है। जैसे बस स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करें, बाकी उनकी फिजिकल वर्जिश जो है वो एक्सट्रीम होनी चाहिए। ये टाइम है 5 साल के बच्चे, हर वक्त थक थक के चूर होके सोए, बस इस वक्त और कुछ काम नहीं माओ का। बस खाने पीने का ख्याल रखें, वो रखती होंगी आप, सर्दी गर्मी का ख्याल तो वो रखती होंगी। इस वक्त दिस इज राइट नाउ इज द टाइम फॉर विजन, एनविजन योर सेल्फ फॉर द 15 year old, 20 year old, जो कि 10 साल बाद होने आपके बच्चे। उसके लिए आप अपने आप को, अपने घर को सेट करें। बच्चों के लिए घर सेट किया जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए बच्चे नहीं सेट किए जाते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बस सेट होते हैं अल्लाह की तरफ से। उनको बस ब्रेन के ऑर्गन के पार्ट्स जो होते हैं ना, ब्रेन अपना, ब्रेन एज एन ऑर्गन, अपने कौन कौन सी लोब्स कब को क्रिएट करता है, उसके ऊपर जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स पढ़ें और उनकी फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होपफुली जल्दी पेरेंटिंग की आ पाएगी। उसमें 13 घंटे, 8 घंटे का ये सेशन है। लाइफ साइकिल पूरी 13 घंटे की है, 8। ऐसे खैर घंटों की तादाद तो मुझे नहीं याद कि ब्रेन का सेक्शन कितना है, मगर उसमें एक एक लोब कब क्रिएट हो रही है, उसका फंक्शन क्या, माँ ने क्या करना है उस दौरान। ज्यादातर जो ब्रेन है वो माँ के जिम्मे है ना, क्योंकि पहले 4-5 सालों में ही सारा ब्रेन तकरीबन बन जाता है, तकरीबन वो तो माँ माँ के पास होता है, माँ की गोद में होता है। तो बाप इतना जिम्मेदार नहीं है बच्चे के डम होने के लिए, जैसे माँ होती। सो बस जरूरी है कि आपको पता, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस बाय नाउ, एवरीवन इज एक्सपोज्ड। पेरेंटिंग की ऐप में बड़ी तफसील है इसके ऊपर, आप जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। खुद भी पढ़ें, ठीक है, खुद भी पढ़ो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आपका माइक नहीं ठीक सर जी। हेलो हेलो साहिल सर, आवाज जी अभी आ रही है। आ रही? जी सर, आपसे एक सवाल था। आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के क्रिएशन होने की वजह से इंडियन मुस्लिम्स की और जितने भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनकी पोजीशन वीक हो गई है? क्या नाम है आपका, अमान पूरा नाम बताएं? अमान अंसारी। अमान अंसारी। किस शहर में आप? जी मुंबई। अमान अंसारी, एक मेरी दरख्वास्त है, ये सवाल दोहराएं इसी तरीके से जैसे आपने पूछा है और बा आवाज। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के नहीं, क्रिएशन ऊंचा से पाकिस्तान ऊंचा ऊंचा। के क्रिएशन से पूरे साउथ एशियन मुंबई मुस्लिम्स में की आवाज, मुंबई में दम नहीं है, मुंबई में दम नहीं है, सर, ऊंचा। मैं स्लो बात करता हूँ अभी फिलहाल, नहीं अंदर नहीं जा आप रहा स्लो हूँ। बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला सवाल ऊंचा दलाएं, गूंज आनी अच्छा चाहिए, सर, इस्लामाबाद पिशावर तक गूंज आनी चाहिए आपके सवाल की। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के क्रिएशन की वजह से एक आर्टिफिशियल स्टेट जो कि रिलीजन के नाम पे बनी, उसकी वजह से आर्टिफिशियल, जो ये आपने नया लफ्ज डाल दिया, पहले तो आपने नहीं ये लफ्ज डाला था सवाल में। अरे सर ये है हम लोग के यहाँ एक नोशन क्रिएट किया आर्टिफिशियल गया स्टेट, आपने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्टेट। स्टेट कहा इसको? आर्टिफिशियल स्टेट सर कोई भी स्टेट रिलीजन के नाम पे नहीं बनी कोई भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और इसराइल, है, दो पाकिस्तान रिलीजन के के नाम पे साथ स्टेट है, इसराइल और पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसके अलावा अच्छा कौन सा मुल्क है जो रिलीजन के नाम पे बना है? कोई नहीं बना सर रिलीजन के नाम पे। हम या बस दो ही हैं। लोग जब यहाँ पे शरीयत की बात हुई गई, और हम लोग कैसे शरीयत के बारे में जब इन्फॉर्म कर सकेंगे, जब बोले उन लोग तो अपने बोलेंगे ना कि इंडियन किसी मुस्लिम्स की लोकल रिलीजन का स्टेट। अकाबरीन में से किसी मुफ्ती साहब का नाम बताएं जरा, कोई एक। देवबंद के मुफ्ती हैं मौलाना मदनी साहब, मौलाना मदनी साहब, ये उनका नाम नहीं हो सकता, ये उनका पूरा लकब नाम है नहीं हो सकता, उनका, पूरा नाम मेरे ध्यान से नहीं आ रहा अभी। कोई और नाम बताएं। मौलाना अरशद मदनी अच्छा, मेरा सलाम दीजिएगा उनको जी। और ये पैगाम उन तक जरूर पहुंचाइएगा। ये तमाम इंडियन रिलीजियस स्पीकर्स के नाम मेरा पैगाम है जो मैं अभी आगे अर्ज करने लगा हूं, ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? अमान अंसारी। यस गौर सुनिएगा बाकी सब लोग, कोई एक पाकिस्तानी मेरे साथ जरा माइक पे आ जाए इस वक्त।
कोई पाकिस्तानी खातून मर्द भाग गए, सारे हेलो, पाकिस्तानी भाग अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हाँ भाई, यार। माइक्रोफोन में क्या हो गया सबके? जी नहीं आ रही आवाज, जिनका माइक ठीक हो वो आए जरा। सर अब आवाज आ रही? सर ये वाला जुमला तो ठीक ही आता है सबका, अगर इतनी कोई ताकत में नहीं चलो आवाज अब आती। ठीक है सर, अब ठीक है। अच्छा नहीं आ रही कोई, वो शख्स आए, कोई खातून आए, कोई शख्स, कोई मर्द आए, हजरत उनका काम नहीं, छोटा काम है, कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम ओरिजिनली सलाम, फ्रॉम क्या बात, पाकिस्तान। अनम, क्या नाम बताया आपने? अनम, कितनी उम्र है आपकी? 35 35। अनम किस शहर में आप? सर। मैं अभी तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन ओरिजिनली आई एम जी फ्रॉम जी 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 यूएस किस सर, की है पाकिस्तान में? या लाहौर से। लाहौर की है अनम, ठीक है जी। अनम तो एक दफा सवाल दोहराएंगे अमान अंसारी भाई का। सर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान लाइक इंडियन मुस्लिम्स सिंपल सा अगर सवाल है देखे ना, इसको सोचना नहीं, बस जो दोहराना है, बस 6-7 लफ्ज हैं उस जुमले में, बस ये कर्म कीजिए हमारे ऊपर, दोहराएं दलाल ये जुमला। कि क्यों डिवाइड हुआ। और ना बुतर, और बिल्कुल भी नहीं ये पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा है क्या पाकिस्तान बनने के बाद इंडियन मुस्लिम्स की हालात वीक नहीं हो गए, उनके स्टैचर वीक नहीं हो गया, ये सवाल पूछा उन्होंने। ओके okay. ये अनम, अनम पाकिस्तानी बहन, जी ये सवाल समझ आया उनका? अब या yeah. गौर सुनिए अमान अंसारी साहब, आप गौर सुनिए, मैं अपनी पाकिस्तानी बहन से बात करने लगा हूं। तो अनम मैं और आप 30 सेकंड्स के लिए, सबसे पहले तो कायद आजम मोहम्मद अली जिना के साहब के लिए एक दफा फातिहा पढ़ लें, ठीक है? जी अमान अब आए जी मेरा जी माइक पे मेरे पास, अब आप और जी अनम जी मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? जी मेरा पैगाम मदनी साहब के लिए, तमाम देवबंदियों के लिए जो इंडिया में, जितने भी इंडिया में मुफ्तियान हैं, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी सेगमेंट है ना, जो भी हो, ठीक है, पैगाम उनके लिए बात मैं अनम से करूंगा, सुनिएगा आप, हैं मेरे मैसेंजर जो पैगाम पहुंचाएंगे, कासिद हैं आप, ठीक है? गौर से समझिएगा, मुस्लिम लैंडस्केप के अंदर, राइट इन द हार्ट, दिल में आके बैठता है, जो मेरा मकसद है ना, सितंबर में मैंने आपको अनाउंसमेंट जो की है, मुस्लिम थॉट का लैंडस्केप क्या है, उसके सेंटर में आके बैठता है आपका ये सवाल। मैं अभी जी अभी 2-1 घंटे पहले कुछ मुफ्तियान साहब के साथ था, साहिबान के साथ था, और उन्होंने बड़े नाजुक किस्म के सवाल तैयार करके रखे हुए थे मेरे लिए, और मैं हैरान था अनम, मैं हैरान सर, था पाकिस्तान में कि मुफ्तियान मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल। उन सवालों के अंदर छुपा हुआ डर, उनकी थरथराती हुई आवाज साफ बता रही थी कि ये सवाल किसी बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए पूरी तरीके से पहुंच भी नहीं रहे थे मेरे तक, ठीक है? तो अमान अंसारी, जी जी सर बोलिए। अंसार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद है आपको? जी याद है? हाँ नहीं 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 याद है पूरी। पढ़े, ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है? अब मसला ये होता है अमान कि जब आप माइनॉरिटी में होते हैं ना, चाहे आप अमेरिका में हो, ब्राजील में हो, चाइना में, मुसलमानों की बात कर, या फिर आप क्रिश्चियन होते हैं, तो मैं कहता पाकिस्तान में हो, माइनॉरिटी जो भी होती है, ठीक है, किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी की एक अलग से साइकोलॉजी होती है, और जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आप मेजोरिटी में हो, अपनी आइडेंटिटी के अंदर, जो भी आइडेंटिटी हो आप, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सेक्युलर हो, एथिस्ट हो, जो भी हो, जब आप उस
हम पल्ला आइडेंटिटी की मेजोरिटी में होते हैं तो आपकी नफ्सियात कोई और हो जाती, ठीक है। उस नफ्सियात को समझना है। मुस्लिम थॉट का जो लैंडस्केप है ना, वो इस वक्त यूट्यूब के, इंटरनेट के, वर्ल्ड वाइड वेब के आने की वजह से, नेटफ्लिक्स के आने की वजह से, टेलीविजन के आने की वजह से, जितने भी लाहौर में अनम्स बैठी हुई हैं, मेरी बेटी का नाम किरात है, हिजाब है, अरसल है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, जितने भी बच्चियां हमारी और जितने भी बच्चे हैं मेरे पाकिस्तान में बैठे हुए ना, वो इंटरनेट की वजह से जिस लेवल पे एक्सपोज हुए, उसे आप सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए जो ओवरसीज है उनको तो छोड़ें, ये तो प्रोग्राम है रात को ओवरसीज के लिए करता होता हूँ, इस वक्त इंग्लैंड में शाम के 6 बजते हैं तो हम फिर ऑन कर देते हो, क्योंकि इंग्लैंड की तैयारी हो रही है हमारी इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान इंडिया में तो रात के 12 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं। इसलिए आप लोगों से मैं ये बात कर दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानियों को मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, इंडियन से बात ये क्यों कर रहा हूं, कि इस वक्त आप लोगों के YouTube की हिस्ट्री निकाली जाए, अनम आपकी, अमान आपकी, और पाकिस्तान में किसी भी लड़के या लड़की की, खातून या मर्द की, तो चाहे वो एकेडमिक कंटेंट हो या एंटरटेनमेंट का कंटेंट हो, फिलोसफी का कंटेंट हो, या कोई भी तफरी का कंटेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, कुछ स्किल डेवलपमेंट का भी, ठीक है, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्किल हो, कोई खबरें हो या फिर कुछ भी हो, आपको उसमें से 60-70, कई दफा 80 और 90, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इससे भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा कंटेंट, ग्लोबल वेस्टर्न कंटेंट मिलेगा आपको, ग्लोबल होगा और वेस्टर्न इनिशिएटेड होगा, ये गौर है समझो, बशर्ते कि आप कोई बहुत ही कोई गली मोहल्ला टिकटॉकर हो, और फिर आप सिर्फ मरियम नवाज की खबरें या फिल्मों के, सलमान खान और ये जो पाकिस्तान के फिल्म स्टार, उनके नाम भी नहीं पता अल्लाह की तरफ से मुझे, इस तरह के ड्रामे, इनकी एक्टर्स के कपड़े नापते हों या उनके खूबसूरती नापते हों, एक अलग कहानी, मगर उसमें भी आपको हॉलीवुड का अफेक्ट ज्यादा ही आएगा। तो जब आपको इस लेवल का कंटेंट मिलता है ना, तो आप मुस्लिम्स को, जो कि पाकिस्तान में हैं, अनम मैं और आप पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तान में भी जब इस लेवल के ऊपर, तीन शाखें हैं तफसील में जाए बगैर बता रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, मैथमेटिक्स, जितने भी नासा के रॉकेट, या फिर किसी और लेवल के ऊपर कोई अचीवमेंट हो जो कि एकेडमिक ना भी हो तो स्किल के, जैसे ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब आप ये देखते हैं ना कि ये सारे की सारी ताकत किसी और चमड़ी के कलर की है, किसी और जोग्राफी की है, किसी और डेमोग्राफिक की है, तो आप उसके ताबे आके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप माइनॉरिटी में। तो मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेट की वजह से और ये टेलीविजन की वजह से अपनी माइनॉरिटी की साइकोलॉजी में, एक माइनॉरिटी की साइकोलॉजी में आ चुका है। अनम समझ नहीं बात, आप तो पाकिस्तान में है नहीं, तो इंग्लैंड में जाके जो इमिग्रेंट्स के हाल होते हैं ना, वही इस वक्त पाकिस्तानी यूथ के हाल है इंटरनेट की वजह से। मैं इसलिए अम्मियों को कहता हूं, अब्बू से कहता हूं कि छोटे बच्चों को स्क्रीन मत दिखाओ, डोप एडिक्ट तो वो होंगे ही होंगे, साइकोलॉजिकली इंफीरियर भी हो जाएंगे, समझ रहे हैं? सो ये कोई तुक्के की बात नहीं है कि स्पेस शटल भी अमेरिका के ऊपर जाता है और ओलंपिक से गोल्ड मेडल भी सबसे ज्यादा उनके होते हैं, सोचें तो सही, तेज भागने से रॉकेट को मार्स पे पहुंचाने का कोई ताल्लुक नहीं, मगर वही मुल्क है जो इस वक्त जीत रहा है। मिसाल दे के आपको खाली डेमोग्राफिक फ्लेवर बताना चाहो, ठीक है, जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी पाकिस्तानी, इनको मौका मिलेगा तो ये वेस्टर्न ममालिक का मौका मिलेगा तो वेस्टर्न ममालिक का रुख करेंगे, पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, दे भी रहे, दे के ही जाते हैं सारे। तो जब आपको ये वाले मामलात हो जाए तो मेजोरिटी के लोग भी माइनॉरिटी की साइकोलॉजी में आ जाते हैं। बहरहाल ये बताना क्यों जरूरी था आपको, मदनी साहब के लिए ये खसूसी खत है मेरा, वीडियो के थ्रू अरसाल कर रहा हूं कि अपना मैसेज इंडियन मुस्लिम्स तक रखें, नंबर 1, नंबर 2 सही मैसेज दें, नंबर 1 अपना सोशल मीडिया इंडियन मुस्लिम्स तक रखें, इस्लाम की नस है,
इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो मेरे थ्रू पता चल जाएगी, मगर आप मुफ्ती साहब हैं तो आपको पहले ही पता चल चुकी होगी कि जब माइनॉरिटी में होते हैं मुसलमान, या फिर कोई भी, इस वक्त मैं मुसलमानों से मुखातिब इसलिए कह रहा हूं, जब कोई एक सेगमेंट माइनॉरिटी में होती है तो उसकी साइकोलॉजी का इंफीरियर होना कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होती। ओके मगर पाकिस्तानियों की नफ्सियात माइनॉरिटी की नफ्सियात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों ने, अमान ने ठीक कहा है ना, पाकिस्तानियों ने हक अदा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आई ये तो मैं जरा थोड़ा सा तो मुझे अताब करना पड़ेगा ना, मैं आपस में हम तो एक दूसरे से पाकिस्तानी हम बात कर सकते हैं ना, समझ रही है ना, है ना, जी हम तो स्ट्रेट टॉक कर सकते हैं ना, तो हमें तो पता है हमने हक नहीं अदा किया। बहरहाल समझ ले हमने हक अदा किया होता तो ये बहुत बड़ा फायदा होना था इंडियन मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को नहीं, इंडोनेशियन मुस्लिम्स को भी, सबसे ज्यादा फायदा इंडियन मुस्लिम्स को होना था अगर पाकिस्तान इस्लाम के निजाम के ऊपर मॉडल विलेज बना लेता। मगर हमने पाकिस्तान के पहले साल ही 48 में ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को शहीद कर दिया। ठीक है, अल्लाह उस बंदे के दर्जात बुलंद करे, उसके एहसानात तले हमारे नस्ल न नस्ल पलेंगी, क्योंकि वो हमें मेजॉरिटी की सुपीरियर साइकोलॉजी का प्लेटफॉर्म दे गया ना, समझ रहे हैं? अब पाकिस्तान के मुफ्ती भी इंडियन मुफ्तियान की तरह माइनॉरिटी की साइकोलॉजी में है, इतने छोटे बौने हो चुके हैं कि निजाम की बात करते हुए कांप जाते हैं। निजाम की बात किससे की जाती है ना, निजाम वालों से। नमाज की बात किससे की जाती है, रेडी वालों से भी कर सकते हैं, किससे भी बात कर, रोजे की बात किसी से भी, बच्चे से भी बड़े से भी, मगर निजाम की बात ताकतवरों से की जाती है। तो ताकतवर से बात करने के लिए अनम क्या चाहिए होता है, इंफीरियर साइकोलॉजी, सुपीरियर साइकोलॉजी, जी परेज, आपको हिम्मत चाहिए होती है कॉन्शियस एफर्ट करने के लिए। सबसे पहले कॉन्शियसनेस के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर आपको रिस्क नजर आता है, कोई ये तो इसके साथ पंगा ले लिया तो ये तो मार देगा, दुश्मन ताकतवर दुश्मन तो नहीं किसी को पसंद होता ना, समझ रहे? सो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए माइनॉरिटी स्टार्ट करके मदीने का सफर किया था तो पहली कंडीशन क्या रखी थी, है ना, कि मेरे साथियों की माइनॉरिटी की साइकोलॉजी ना हो जाए। थे वो माइनॉरिटी में ही मगर सबसे पहले मेजॉरिटी सुपीरियर साइकोलॉजी के साथ मदीना में एंट्री की। अल्लाह ने जिस घराने में मेरे नबी और हर नबी के साथ अल्लाह की अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यही मामला रखा है कि ऐसे घरानों में रखते हैं अंबिया को कि जिस घराने की पहले से ही सुपीरियर साइकोलॉजी होती है। कभी नोटिस किया आपने 1,24,000 अंबिया किन जगहों पर, किन घरों में, किन खानदानों में रखे अल्लाह ने, कभी नोटिस नहीं किया? ठीक है, मैं इसलिए अमान से कह रहा था अंसारियों के लिए तो दुआ थी मेरे नबी से, किस चीज की दुआ थी, सुपीरियर साइकोलॉजी की दुआ थी। अनम मेरी बहन, मेरे मुंबई के भाई के लिए दुआ है, और सोचें जरा इंडियन मुसलमानों ने, मुफ्तियान ने उस अंसार को, अंसार अंसार पता कौन होता है, अनम अनम बेटा नहीं पता तो कह दो नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, बात नहीं जाएगी। पता, अंसार होते हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम को प्लेटफॉर्म दिया था, उनके मदद, मेरे अल्लाह के नबी सल्लम के मददगार हैं। इन्होंने कहा था हम लड़ेंगे इस पूरी दुनिया से तेरे निजाम के लिए, आपने कह दिया ऐ मोहम्मद हमने पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली, बस। नस्लों की दुआएं हैं, नस्लों की, या अल्लाह अंसार की नस्लें और उनकी भी नस्लें और उनकी भी नस्लें, ये है इन अंसार के एहसानात हैं इस्लाम के, उस वक्त ये काम आए कि जिस वक्त दुनिया में मेरा नबी अकेला था और अंसार ने कहा था हम आपके साथ खड़े। सोचें कि सुपीरियर साइकोलॉजी से इन्होंने बात की, और मेरे अंसारी भाई को एक मदनी नाम के बंदे ने, जो कहीं से भी नाम का अपना हक अदा नहीं कर रहा, क्या बना के रख दिया है, महाजिर बना के रख दिया। कौन सा महाजिर, वो वाला महाजिर नहीं, मक्के वाले, ये लोकल इमिग्रेंट जो इंग्लैंड में और अमेरिका में इमिग्रेंट होते हैं, वो वाले महाजिर जो माइनॉरिटी की साइकोलॉजी में आते ही आते हैं, समझ रहे? मगर मैं समझ सकता हूं इंडिया में माइनॉरिटी। अभी एक मुफ्ती साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, कहते हैं साहिल मियां आप निजाम की जो बात करते हैं इससे तो जान जाने का खतरा होता है।
सोचें जरा, ये मुफ्तियान बोल रहे हैं कि कोई हिकमत की बात करें, ऐसे बेशर्म मुसलमान पाकिस्तान में पाए जाए ना, तो इनको सबसे पहले इनका इस्लामी पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए। कि तुझे कौन सा, पाकिस्तान में आने के बाद में तुझे डर रहा है? और इंडियन मुसलमानों को तो डर मुझे समझ आता है, उनके ऊपर तो 2 नंबर मुफ्ती बोने बिठाए गए हैं, क्योंकि माइनॉरिटी में हिंदू राज है, उनके ऊपर मोदी बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान के अंदर क्यों ये वाली ट्रांसेंडेंस आई है? सोचे जरा, देवबंद असल में पॉलिटिकल तहरीक थी जो इंडिया से स्टार्ट हुई थी। उस वक्त तो पाकिस्तान ही बना था, इन्होंने उस वक्त झंडा उठाया था कि हम निजाम चेंज करेंगे। देवबंद की ओरिजिनल मैनिफेस्टो है, बरेली पॉलिटिकल तहरीक नहीं थी, देवबंदी पॉलिटिकल तहरीक। और आप क्या बातें कर रहे हैं, बस बस नमाज पढ़ा करो, बस पांच पांच चीजें इस्लाम है, बस छठी ना डाल देना, बस चल चलो छठी डालो, तबलीग कर देना। ये है वो आयतें छुपाने वाले लोग, अमान। ये वो अमदनी साहब है जो आयतें छुपा रहे हैं बैठ के, मैं समझ सकता हूं डरपोक के आयतें छुपा रहा है, बस मिंबर से तो उतर, तू छुपा आयतें भाई घर वालों से छुपा, पूरी दुनिया से, क्योंकि ये गलत ओहदा क्यों, अपना अपने आप को दोजख में क्यों डालने के चांस बढ़ा रहे हो? मगर अनम पाकिस्तान के मुफ्तियान भी यही बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पाकिस्तान के मुफ्तियान भी यही बात कर रहे हैं कि पूरा इस्लाम ना बता देना, पूरा इस्लाम ना बता देना, पूरा नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ के माथे पे बल ना आ जाए, समझ रहे हैं? इमरान खान जरदारियों के माथे पे बल ना आ जाए, आर्मी के और सिविल के ब्यूरोक्रेसी के माथों पे बल ना आ जाए, ये हमें मार देंगे। मैं समझ सकता हूं अफ्रीका के कबीले में एक बंदा अपनी 6 बच्चियों के साथ पहुंच जाए, कश्ती अफ्रीका के किसी साहिल पे तबाह हो गई थी, उसको डर हो के यार एक मार देंगे, समझ सकता हूं मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। इंडियन मुफ्तियान बोनागिरी कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं, उनके डर नजर आते हैं, खुलेआम कहते हैं कि वो ये बस इस निजाम की बातें वहां पे करो जहां पे, ये इंडियन मुसलमानों की बात बता रहा हूं मान आपको, मुझे खुद कहते हैं हमारे मुफ्तियान के फतवे इस्लाम की और खिलाफत की बातें, निजाम की बातें वहां पे करो जहां इस्लाम मुसलमान मेजोरिटी में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो अपना मुंह बंद रखे ना, फिर आपकी बात दुरुस्त है, आप माइक्रोफोन पे क्या करने आए हुए हैं? आधा इस्लाम बताने की तो कहीं इजाजत नहीं है इस्लाम में, कुरान पे आयते हैं इसको के बाद आयते छुपाते हो, बाद आयते बताते हो, क्यों ये मिंबर पे बैठ गए हो आके मुफ्तियान, इंडियन मुफ्ती, अल्लाह आप पे रहमत करे, निकलो इधर से, भागो मेंबरों से। हमें पता है आप ठीक कह रहे हैं, आप डरपोक हैं, मान लेता हूं, मैं इस्लाम के थ्रू नहीं मानता, मैं इंफीरियर साइकोलॉजी के हर बोने को जानता हूं ना, अब भागे रन, इट्स ओके, किसी की दरख्त के नीचे बैठ के लल्ला कर भाई, तू तू ये मेंबर रसूल पे बैठ के आधा इस्लाम बताने की इजाजत नहीं है आपको, ऐसे नहीं होगा, पूरा कुरान सुनाएंगे आप, नहीं सुना सकते शाबाश, ये वाला शोभा आपका नहीं है। अब आते हैं वापस पाकिस्तान में, नम भाई का सवाल यह है कि पाकिस्तान के बनने की वजह से इंडियन मुसलमान खतरे में है, समझ रहे हैं? उसके पीछे उनको क्या खतरा हो सकता है, सोचें जरा। सबसे पहला खतरा जो पाकिस्तान की वजह से हो सकता था वो ये कि हम इस्लाम का निजाम यहां पे कायम कर देते और इन पे बॉर्डर बंद कर देते, तो हमने नहीं किया, हमने बगैर इस्लाम का निजाम कायम करके इनके बॉर्डर बंद कर दिए। हम इंडियन मुसलमानों से कई गुना ज्यादा लिबरल हैं, हम इंडियन हिंदू से भी तकरीबन तकरीबन ज्यादा ही लिबरल है, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इंडियन मुसलमान सोच भी नहीं सकते, वो समझते हैं इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, इन्होंने बनाया इस्लाम के नाम पे था, करतूत हमारे देखें, अयूब खान से लेके अभी तक के शहबाज शरीफ तक, तो हमारे करतूत देखें, हमारे इंतजाम देखें। तमाम इंडियन मुसलमानों से मैं कह रहा हूं, आपको किस बात की फिक्र है? आपको तो बल्कि ये फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान को देख के आपका दीन खतरे में है, पाकिस्तान को देख के आपका ईमान खतरे में आ सकता है, कि कोई अल्लाह के नाम के ऊपर या इस्लाम के नाम पे मुल्क ना बना लेना दोबारा, ये करते हैं पाकिस्तानी, इस वजह से इस्लाम खतरे होना चाहिए। आप आपकी जान खतरे में आ रही है, वो कैसे आ रही है? हमने तो कोई एक भी काम इस्लाम का नहीं किया जो हिंदू को किसी भी किस्म का कोई टेंशन हो, वी हैव नॉट इवन मेड अ सिंगल सिंगल इंच ऑफ अ जर्नी
थ्रू द विजन ऑफ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल ने हिंदू मदनी साहब को कहा था, इंडिया हिंदू मतलब हिंद के मदनी साहब को कहा था कि मुल्ला ओ मुल्ला तुझे जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान तू ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, तुझे ये पता चला इस्लाम का, ये ऐसे लोग हैं जो गुलामी के अंदर खुश हैं, या अल्लाह मुझे किस कौम में, ये इकबाल का शेर सुना रहा हूँ, या अल्लाह मुझे किधर पैदा कर दिया, जिधर गुलाम तो है ही गुलामी के ऊपर खुश भी हैं। ये इंडियन मुसलमानों के मुफ्तियान से मुखातिब हूं, आम इंडियन मुसलमान से मुखातिब नहीं हूं मैं, कि बेटा आधा इस्लाम बताना ज्यादा बड़ा गुनाह है, अबू जहल के थे भी ऊपर नीचे के दोजख में जाओगे, आधा इस्लाम बताओ। या यहूदी उलमा यही करते थे, अल्लाह ने कुरान पाक में बेशतर मकामात पे सबसे सख्त वईद उनको सुनाई है, उन उलमा को, कि तुम मेरी किताब के कुछ हिस्से छुपाते हो, डरते किस बात से हो? और रोमन से डरते थे यहूदी उलमा उस वक्त के, रोमन एम्परर कोई और था, मोदी था उधर का मोदी, समझ रहे? सो आप क्या करते हैं, इंडियन मुसलमान मुफ्तियान की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़े बस पूरा ना बता देना, कुतिब अलैकुम किताल की आयत पर कहीं कोई टॉपिक ही ना आए, सूरह तौबा एक दफा, अमान अंसारी आज का एक होमवर्क दे रहा हूं, सूरह तौबा एक दफा तर्जुमे से आज पढ़ लेना या कल सुबह पढ़ लेना, बस एक सूरत, फिर देखना क्या नजर आएगा आपको, देखना खुद ना, देखना क्या नजर आएगा, एक दफा सूरह तौबा हसन मेरा जरा होमवर्क डालें, सितंबर में एक दफा सूरह तौबा मैंने इंशाल्लाह तफसीर करनी है। ओके सर, नहीं इन्होंने क्योंकि पढ़नी नहीं, इन्होंने ऐसे ऊपर से गुजरते स्किप करके, आप मदनी साहब से कहिएगा अमान साहब कि जुम्मे के खुतबे में सूरह तौबा की तफसीर कर दीजिए, बस देखना आपके साथ करते किए हैं वो। दिस इज अ लिटमस टेस्ट, ये वो हैं जो मुझे मना कर रहे हैं इस वक्त, अनम मुझे मना कर रहे हैं, ओए बेटा तू ये कौन सा वर्जन ला गया इस्लाम का, उसको मैं पता है कहता हूँ, जो भी मुझसे पूछे ना साहिल मियां आपके पास कौन सा वर्जन इस्लाम का, तो मैं कहता हूँ फुल वर्जन है, आपके पास आधी सीडी, एक सीडी पहुंची है, मेरे पास सारी सीडीज पहुंच गई, आपके पास हाफ 1/4 1%, मेरे पास फुल वर्जन है इस्लाम का, क्योंकि अल्लाह ने कहा था या तो पूरा बताना या ना बताना, भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, इस तरफ ना हो, ये बहुत रिस्की काम है, इधर जान जाती। तो अमान अंसारी, अंसारी अमान भाई, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा ये ईसा अपने हवारियों से जैसे कहते थे ना, वैसे मैं तुम्हें कहता हूं कूनू अंसारल्लाह, आमनू कूनू अंसारल्लाह, बन जा अल्लाह का मददगार, अंसारल्लाह अल्लाह का मददगार बन, जैसे कि कमा कॉल ईसा बिन मरियम अलैहि हवारियीन मन अंसारी अल्लाह, के अल्लाह के नबी ईसा अलैहि सलाम ने कहा अपने हवारियों से कौन है तुम में से अल्लाह का मददगार, तो उनके हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार, हम हैं उस नुसरा के हकदार। तो इंडियन मुफ्तियान, अगर आप समझ रहे हैं कि आप सर मक्के की लाइफ में गुजार रहे हैं सर किसी और अबू जहल आपके ऊपर, तो आप मदीना चले जाएं, इस्लाम तो नहीं चेंज होने वाला, आप चेंज होंगे, इस्लाम ना चेंज करें शाबाश, ये दोनों मिलियन नहीं चलेंगी। आम लड़के और लड़की को कर्नाटका से रांची तक कंफ्यूज करके रखा हुआ आपने, मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, इस्लाम चेंज करेंगे आप? आपके लिए कोई भैया आइए कि आप मक्का में रह रहे हो, रहते तुम कर्नाटका में हो, कहते बनारस में रहते हो, कहते मक्का में रह रहे हो, बेशर्मो, खुद ही शुरू हो गए हो ऐसे अपनी मर्जी से, या पूरा इस्लाम या निकलो इस्लाम से, आसान सा तरीका है ये है। सहाबा इकराम ने वो वाले मामलात के ऊपर, ये इस्लाम की वो नस है अमान, गौर से समझना, इस्लाम की नस ये है, कोई पूछे ना मौलवी साहब जरा किताबें खोल के इधर उधर की टेक्निकें लगा रहे हो ना, उनको बताना कहना सर इस्लाम की नसूस में से एक नस ये है, बल्कि ये तो अहले सुन्नत की बात हो रही है, अहले सुन्नत की नस बताता हूँ बहुत जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि मैं अगर अरब से लूंगा ना तो अहले सुन्नत ये जो हनफी है ना वो अरब को मानते नहीं, वो कहते नहीं नहीं ये तो शाफई का या हम्बल का बड़ा सख्त नजरिया था, मैं हनफी नस बता देता हूँ।
अस्माउर रिजाल में जब हदीस की रिवायत में किसी रावी का टेस्ट करते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि जिस हुकूमत के ताबे है वो उस हुकूमत के हक में उस पॉलिटिकल एफिलिएशन में तो नहीं इसने पॉजिटिव बात कर दी। ये नसूस में से एक नस है एक बंदे के सिक्का होने की, ये बंदा क्रेडिबल होना भी चाहिए कि नहीं। ये हनफियों की बात बता रहा हूं आपको, इन्होंने एक नस रखी है, सही नस रखी हुई है उन्होंने। तो आप खुद बता दें इंडियन मुसलमान के मुफ्ती से मैं कैसे इस्लाम का कोई वर्जन लूं कि जो खुद इस्लाम का वो हिस्सा छुपा के बैठे हो, मजबूरन ही छुपा के बैठे होंगे, मैं मान समझ सकता हूँ छुपा के बैठे। ये जो इंडिया के मुफ्ती मेरे ऊपर ही स्पेशल वीडियोस बना रहे होते हैं उनके लिए पैगाम है, खुदा का वास्ता है, आप सिर्फ इंडियन मुस्लिम से बात करें या जाए सिर्फ माइनॉरिटी से बात किया करें, जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में, आपकी आपकी हिम्मत कैसे होती है कि पाकिस्तानी मुसलमान से बात करें आप। हम में कायद आजम मोहम्मद जना के एहसान है हमारे ऊपर, हम मेजोरिटी मुसलमान है, अपनी कमजोरियां इंडिया लेके जाओ। जो मुफ्ती साहब है ना मेरे पर वीडियो बनाते हैं, यासिर साहब जो भी नाम है इनका, दोबारा मुझसे पाकिस्तानी मुसलमान की तरफ ना ऐसे खसीस किस्म का इस्लाम का वर्जन बताना, हमें पूरा इस्लाम पता है, वो अलग बात है। हमारे ऊपर भी आपके तरह के मुफ्ती आने शुरू हो गए, मगर हमारी साइकोलॉजी इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर साइकोलॉजी के पाकिस्तानी है, जिना का एहसान है हमारे ऊपर। आपके मुल्क के अंदर जो भी मसाइल हैं मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी कमजोरियां भी, आपका खसीसपन भी, आपकी बीमारियां भी, आपकी नफसियाती बीमारियां भी जानता हूं, कोई बात नहीं, बीमार हैं आप, आई ट्रीट यू एज अ पेशेंट, प्लीज एक्सेप्ट दैट यू हैव अ डिजीज, डू नॉट डेयर टॉक टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स लाइक वी आर इंडियन मुस्लिम्स। इफ यू आर एन इंडियन मुस्लिम एंड यू अफ्रेड कि मैं इस निजाम की बात करूंगा तो मोदी मार देगा, अपना माइक्रोफोन और अपनी जो बैंडविड्थ है ना उसका रुख दिल्ली की तरफ करो, इस्लामाबाद की तरफ ना करो। वी आर इन मेजोरिटी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमान हैं हम, हमें पूरी तरीके से पता है कि इस्लाम का निजाम की बात करनी है हमने, हमें नहीं किसी का डर होता, और जिनको डर होता है ना वो आपके ताबे आ जाते हैं और आपके वर्जन के अंदर आके हमारे पाकिस्तान में भी आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। यू आर कंफ्यूजिंग माई पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ, सफेद गोलियों को 5 रुकन के बाद छठा रुकन ना आ जाए। कुतुब अलैकुम सयाम तो पता है आपको, कुतुब अलैकुम अलकिताल की हिम्मत नहीं हो आप दिल्ली में बोल सकें आयत मस्जिद के अंदर, मैं समझ सकता हूँ आप उधर आधा इस्लाम बेचना उधर रखें आप शाह, हमें पूरा इस्लाम चाहिए। किसी वजह से जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, आपको शायद पता नहीं है, आपको जिन्ना की ट्रेनिंग नहीं होती, हमें पाकिस्तान ने बचपन से मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ाया जाता है, उसने शुरू में ही बताया था यूनिवर्सिटी में जाके कि ये मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ, ये पी के दिखाए कोई स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का, ऐसे कांप गए थे हिंदू के, ये क्या बात की। तो उसने कहा मेरा गिलास तो पानी का पी नहीं सकते हो, तुम हमारे साथ रहोगे, यू ट्रीट मी एज इफ आई एम योर आई एम इंफीरियर टू यू, तुम्हारे ताबे आए हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ इसलिए कि तुमने तादाद में ज्यादा हो, सारी उम्र इंडिया में मुसलमानों की हुकूमत रही है, तो हमें ना समझाएं अपने वो जो बगैर गोली की बंदूक का रुख मेरी तरफ ना करें, मेरी बंदूक में गोलियां पूरी हैं, मैंने रुख कर दिया ना तो आप इंडिया वापस नहीं जा सकेंगे, वहां पे मोदी की हुकूमत है आपकी। हम जिना के एहसान के तले आजाद हो चुके हैं, हम आजाद मुसलमान हैं। सो तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों से मैं कह रहा हूं कि सुपीरियर साइकोलॉजी की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। ये बीच में एक और नस्ल जो आई है ना, ये मौलवियों की भी और ब्यूरोक्रेट्स की भी, पॉलिटिशियंस की भी, अम्मी अबू की भी, ये जो बीच वाली नस्ल है, ये जिधर भी ग्लोबल साइकोलॉजिकल इंफ्लुएंस में आए हैं वहां से इंफीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं, इंटरनेट से इंफीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्सेस लेके अपने बच्चों को पिला रहे हैं। आप लोग बाज आ जाएं, बच्चों को इंटरनेट पे डालना बंद करें, इस्लाम और सीरा के ऊपर लेके आए, कुरान और सीरा से किरदार साजी करें, कुरान और सीरा के अलावा किरदार साजी करने के लिए घोड़े अगर आपने पकड़ लिए तो वो पाकिस्तान जैसे मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क के अंदर इंफीरियर साइकोलॉजी का मुस्लिम बोना बन जाएगा। उठा के देखें मस्जिदें पाकिस्तान की भी, ऐसे कांप रहा है जैसे जैसे कोई हुकूमत का बंदा बुलाता है, मुफ्तियान सारे ऐसे पहुंचते हैं पहली पहली फ्लाइटों पे। सो ये होमवर्क दे रहा हूं, सूरह तौबा महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को सूरह तौबा की तफसीर
और तर्जुमा पढ़ लिया करें। कोई मुफ्ती की मजाल नहीं है ऐसी आयतें हैं कि वो अपने वर्जन में ढाल सके। वो कोई मुफ्ती की मजाल नहीं, जितना मर्जी बोलना होगा, मगर कुरान पाक की इस सूरत को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नाजिल किया, बस वो पढ़ ली। और जो सूरत तौबा ना पढ़ सकता हो मस्जिद में, जो सूरत तौबा ना पढ़ सकता हो, समझ लें कि ये वही है जिसके बारे में अल्लाह ने आयतें की नाजिल की, ये मेरी आयतें छुपाने वाला है। और वो आम लड़के लड़की अम्मी अब्बू के लिए नहीं आयतें आई हुई, वो आयतें आई हैं उलमा के लिए, कि ये उलमा है जो मेरी आयतें छुपाते हैं। तो बस ये सिंपल सा टेस्ट है, आसान हो गई कहानी, इट इज दैट सिंपल। जो कुरान भी पूरा प्रेजेंट कर सकता है, उसको मुसलमान कहने का क्या हक है अपने आप को कि नहीं जी मैं तो बस थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मुझे बस दिल की तसल्ली के लिए इस्लाम चाहिए, दिल की तसल्ली के लिए नहीं आया इस्लाम। आखिरत की कामयाबी पूरी बनी नौ इंसान की आखिरत की कामयाबी के लिए इस्लाम आया हुआ। अगर आप ये जिम्मा नहीं ले सकते, शाबाश पीटर बहुत अच्छा नाम है, जोसेफ बहुत ही अच्छा नाम है, समैंथा जेनिफर मशहूर नाम है, रखे निकले इधर से। इट इज वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोना टॉलरेट दिस सॉर्ट ऑफ मुस्लिम बिहेवियर विद पीपल हु कॉल देमसेल्फ मुस्लिम्स, सीम एज इफ दे आर मुस्लिम्स बट दे एक्ट एज इफ दे आर नॉन मुस्लिम्स, एक्चुअली दे आर अशेम्ड ऑफ इस्लाम, दे आर अफ्रेड ऑफ समवन हु इज ईदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मुसलमान किसी भी मौके के ऊपर परसेंटेज के अंदर नहीं आ सकता। अमेरिका में हबशियों ने एक तक किया था, अपनी इंफीरियर साइकोलॉजी में किया था, गोरों के ताबे थे, कि हम परसेंटेज ऐड करते हैं, उनको इस्लाम नजर आ गए थे कहीं से। इलाइजा मोहम्मद नाम का हबशी था, इलाइजा मोहम्मद, नाम से समझ आ गई होगी आपको, नेशन ऑफ इस्लाम की बात करो। उसने कहा कि यार किसी तरीके से इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर ही मौना था बेचारा, क्या करता, उसकी माँ भी कुएं में मारी थी उन्होंने, लिटरली दबा के जमीन में जिंदा दबा देते थे इनके माँ। ये हफ्सियों का आपको पता क्या किया इन गोरों ने, जो बड़े बनते हैं ह्यूमैनिटेरियंस, इनकी नस्लें गुजरी हुई हैं, ऐसे ऐसे जुल्म किए इन्होंने इस हफ्सी नस्ल के साथ। बहरहाल उसने क्या किया लाजा मोहम्मद ने, उसने कहा 1% भी अगर आपको इस्लाम है तो आप अपने आप को 1% बोलना शुरू कर दो, 5% है 5%, आप 95% है 95% बोलना शुरू कर दें। वो कौन होते हैं परसेंटेज कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ूंगा बाकी शराब जना गर्लफ्रेंड डांस पार्टी कत्ल ड्रग्स सब कुछ करूंगा, मैं 1% हूँ। 5% वाला आपको पता है फिर थोड़ा सा ज्यादा करेगा, 95 वाला यार मुझसे एक दो गंदी हरकतें नहीं छोड़ी जाती, वो मुझे अलाउ है। ये था ताहूत लाजा मोहम्मद का, अपने पर नई पॉलिसी लेके परसेंटेज का स्पेक्ट्रम बैंड ऐड कर दिया, नेशन ऑफ इस्लाम कहते हैं इसको, पूरा मजहब शुरू किया था। जो मोहम्मद अली बॉक्सर था पहले उसमें गया था, मेलकम एक्स पहले उसमें था, बाद में इन्होंने एक्सपोजर लिया, उन्होंने कहा भाई ये क्या दो नंबरी खोली है तूने, ये क्यों आपको केस स्टडी दे रहा हूं, आप पाकिस्तान के और इंडिया के इस वक्त के तमाम तरह लोगों का जायजा करें तो आपको पता चलेगा परसेंटेज है इनके पास, परसेंटेज, कुछ चीजें खुद ही अलाउ की हैं अपने ऊपर, जबरदस्ती अपने ऊपर, जबरदस्ती का कहना अपनी मर्जी से, तो अल्लाह ताला ने इसी के ऊपर तो आयतें लिखी हुई है, अफतूमिनू ना, किसी चीज के ऊपर ईमान ले आते हो और किसी चीज का कुफर करते हो, अफतूमिनू ना बिबाद, कुछ चीजें तुम्हारी ईमान का हिस्सा दाखिल कर लिए मान लिया, सोचे वतकफुरू ना बिबाद, और किसी चीज का इनकार कर देते हो, कुछ चीजें अपनी मर्जी से, कुछ चीजें जो चीज सख्त है वो नहीं, वो नहीं चाहिए। सो अब आप देख लें, जब भी आप देखेंगे ना किसी टीचर को ना, कोई एक चैप्टर ज़रा मुश्किल लगता है ना टीचर को, स्टूडेंट्स को उसने सिखाना होता है, तो वो चैप्टर को स्किप करने की हजार हीले बहाने करता है, किताब खोलता है करा रहा होता है, और जैसे ही उस चैप्टर की बारी आती है अचानक अपने पढ़ाने की स्पीड तेज कर लेता है कि बस किसको गुजार दो किस तरीके से, वरना ये ना स्टूडेंट को समझ आ जाए आदि, और वो सवाल पूछ लें और मुझे तो आता ही नहीं, तो वो जल्दी जल्दी सैंडविच करता है स्किप करता है, ये करते हैं कुरान के साथ। सो आप उस मुफ्ती साहब को और मौलवी साहब को पहचानेंगे जब सूरह तौबा पे आते हैं ना, तो वो स्पीड से निकलेंगे कि भाई इस बारे में सवाल ना हो। आप मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूं, मेरे रूम में इस वक्त तकरीबन 1000 बंदा बैठा हुआ है, आप खुद बता रहे आपने मस्जिद से सूरह तौबा कब सुनी है, और जवाब आएगा सर कभी भी नहीं।
सूरह असर सुनते हैं, सूरह फातिहा सुनते हैं, सूरह वाकिया सुनते हैं, सूरह यासीन सबको याद है, सूरह वाकिया रिज्क की कुशादगी के लिए सबको याद है, ठीक है, सूरह नास फलक हर आंटी पे जादू हुआ हुआ है तो ये हर वक्त, सूरह इखलास क्योंकि नमाज के बाद वही फातिहा के बाद तो पढ़नी होती है, तो हमने एक टेक्निक लगाई हुई है जब नमाज छोटी करने के लिए, सूर्य बकरा घरों में जिन आते हैं आपके, सूर्य बकरा चलती रहती है हर घर में हर वक्त, मगर सूर्य तौबा नहीं सर, वो तो बिल्कुल वो तो हमें पता भी नहीं कौन सी सूरत है कौन सा नंबर है, कैसे आपको ना मस्जिद को भी बताएगी ना आपको गवर्नर बताएगा ना आपको मुफ्ती बताएगा, क्योंकि उससे तो वो नंगे हो जाएंगे, ये कनाडा इंग्लैंड अमेरिका में तो सूरह तौबा नहीं सुना सकते, मैंने अपने मिस्री बड़ा जरी किस्म का आदमी था टोरंटो में, उससे मैंने कहा कि भाई तुझे पता भी था इस सेशन के अंदर जो टॉपिक उस दिन का था, तेरे पास तो पूरा केस था उन दिनों, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, हमला हुआ था पाकिस्तानियों और मिस्रियों पे, केस चल रहा था टोरंटो में लड़कों पे, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तेरे पास तो केस है, कहता है सर डोंट टीच मी हाउ टू प्रीच, एंड आई सेड मैं टीच नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं सपोर्ट कर रहा हूं, आठ आयते या आठ के आठ आयते सुना, 3-4 हजार बंदा आया भाई, इतना बड़ा इस वक्त मजमा लग गया मुसलमानों का एल्बियन एंड इजलिंगटन की मस्जिद, सीयर्स वाली मस्जिद के ऊपर, एल्बियन एंड इजलिंगटन की मस्जिद सबसे वो बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद शहीद कर दी थी उन्होंने आके, मैंने कहा मियाँ और तूने क्या किया है, पूरा का पूरा टोरंटो आ गया तेरा जुमा सुनने, क्योंकि हमारी मस्जिद शहीद हुई थी सब आए थे इधर, तूने केस क्यों नहीं प्रेजेंट किया कि इस्लाम का केस किया, ही सेड टू मी बट आई एम गोना टेल यू अमान, अब बताता हूँ आपको मैं समझ सकता हूँ टोरंटो में बैठ के, कहता है बात सुनो ध्यान से, डोंट टीच मी हाउ टू प्रीच, इफ आई कोटेड दोज आया दोज वर्सेस दे वुड हैव डिपोर्टेड मी एंड आई वुड नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट हूएवर इज आई एम गोइंग टू आई एम हियर टू कन्वर्ट, ये मुसलमान कन्वर्ट करने आया हुआ क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करेगा, अपने जैसा एक और बोना किसी टॉम को या जेरी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, ये मकसद है हमारा, अपने आप को अपने डॉलर बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए ये करते हैं, खुद कहते हैं मेरे अपने मुंह से हम कैसे बताएं, और कुरान छुपा के बैठे हुए हो यार, कह दो भाई हमारा काम नहीं है, मैं नहीं पूरा सुना सकता मेरे ना हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, बोने भी अल्लाह बख्श देगा आखिरत में बोने, कोई बात नहीं डरपोक के निकलो, ये तो इस्लाम का मेंबर है, इधर हैव नहीं होगा, इधर एलाइजा मोहम्मद का परसेंटेज नहीं चलेगा 90% 50% नो, इधर 100% और कोई और काम करो, कोई बात नहीं, तो ये मेरा पैगाम मदनी साहब को पहुंचाइएगा, वो पता क्या जवाब देंगे, मैं बताता हूँ ना अमान आपको, नाम भी देखें अमान अमान, मैं आपको बताता हूँ मदनी साहब कहेंगे कि ये रेडिकल किस्म का आदमी, ये हमें मरवाएगा, ये मोदी के अताब के अंदर लेके आएगा, आगे हमारे कम मसले हैं जो एक नया मसला खोल ले, उसको कह रहा है सर वो कुरान की आयतें की बात कर रहा है, कौन कह रहा है आपको कि कोई बंदूक उठाए असला उठाए तलवार उठाए, कुरान की आयतें सुना है, नहीं हमें ना सिखाओ कि हमने कैसे सिखाना है, डोंट टीच मी हाउ टू प्रीच, दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू, तो अनम अनम माय सिस्टर आर यू देयर, अच्छा हसन आपने सबको म्यूट कर दिया है, जी सर, सो जी है ना आपको समझ आ रही मेरी बात, जी, तो अगर एक लड़की को लाहौर में समझ आ सकती है तो मेरा गालिब गुमान है कि कराची में तमाम मुफ्तियान को समझ आ जाएगी मेरी बात, मेरा गालिब गुमान है कि उस लड़के को जरूर समझ आ जाएगी जिस लड़के को पता है और आंखें झुक रही हैं उसकी इस वक्त कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, समझ रहे हैं, और अमान में अनम में आपको एक बात बताऊं, छोटा सा लिटमस टेस्ट है, अनम आप शादीशुदा हैं, हाँ जी सर, तो अगर आपके हस्बैंड ना आपके ऊपर कोई आफत आए ना और अपनी दुम दबा के भाग जाए तो आपको अगले दिन वो हस्बैंड चाहिए, जी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली जी जी नहीं बिल्कुल चाहिए। समझ गया था, ये अल्लाह की अंदर से फितरा है बेटा, ये कोई रॉकेट साइंस का सवाल तो नहीं है जो आपके अंदर से सही जवाब आता है,
ना हमें बाप ऐसा चाहिए, ना हस्बैंड ऐसा चाहिए, ना बेटा ऐसा चाहिए, ना भाई ऐसा चाहिए। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मुझे बहन भी ऐसी नहीं चाहिए बेटा, ना मुझे बेटी ऐसी चाहिए, ना बीवी ऐसी चाहिए, ना माँ ऐसी चाहिए। अल्लाह की किताब आपकी फितरा के साथ ऐसे ब्लड टाइप मैच करती है, अहकाम भी वो जारी करते हैं जो आपकी फितरा की रिक्वायरमेंट होती है। कोई नई बात तो नहीं की अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने हमारी फितरा कोई कहा। हाँ, तो तुझे अंदर से आवाज आती है, वही मैं तुझे अहकाम दे रहा हूं। किसी अनम को ऐसा शोहर नहीं चाहिए, किसी अनम को ऐसा भाई नहीं चाहिए, किसी अनम को ऐसा बाप नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं की कुरान पाक ने जो कि हम कहें ये तो मेरी फितरा के खिलाफ है। आप आपको पता चलेगा इंफीरियर साइकोलॉजी क्या करती है, फितरा को परवर्टेड लेस में लेके जाती है। आपके हस्बैंड को, बाप को, भाई को, मुझे, मैं आपका भाई हूं ना, हमें जस्टिफाई करने की इजाजत देती है इंफीरियर साइकोलॉजी। क्या कि अनम के ऊपर आफत आती है, आने दो, कोई बात नहीं, मैं जस्टिफाई कर लूंगा अपने इस इस इम्पोर्टेंट बिहेवियर को कि हाँ मरने दी बहन मैंने अपनी, अपनी जान बचा ली। इसको जस्टिफाई कर रहा है इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया का कहीं पे भी हो, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? इंफीरियर साइकोलॉजी को इंफीरियर इसलिए कहते हैं, वो जस्टिफाई कर लेती है अपनी इस लैक ऑफ करेज को। सुपीरियर साइकोलॉजी का लड़का जिसकी बहन खतरे में हो, वो ढूंढता है वो वाला मौका कब मिले कि मेरे सीने पे गोली चले, मेरी बहन मेरे पीछे खड़ी हो, बेशक मेरे पास कुछ ना हो, मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। दुनिया का हर भाई बगैर इस्लाम के चिली और साइबेरिया में भी यही कर रहा है। अनम फितरा की आवाज है। जब कुरान इन चीजों को फर्ज करता है तो ऐसी कोई चीज नहीं फर्ज करता कि जिसमें एक आम लड़की या लड़का, आम बच्चा बच्ची, आम अम्मी, आम अब्बा, ये डिमांड ना करते हो, हाँ ये तो मेरी नेचुरल डिमांड है। इसलिए अमान जाके मद्दी साहब से पूछना, ऐसा क्या अनोखा हुक्म आ गया, हमें भी बताए। कोई ऐसा अनोखा हुक्म नहीं आया इस्लाम में, बेसिक से अहकाम है। मैं आम लड़के लड़की को इस वक्त नहीं एड्रेस कर रहा हूं, मैं मुफ्तियान, अपने हिंदुस्तान के मुफ्तियान बरादरान की बात कर रहा हूं, बुजुर्गान रहमतुल्लाह अलैकुम, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगियां दे। सिंपल सी दरखास्त है कि अगर आप मक्का में हैं तो मक्का में आने का, मक्का में होने का क्या ऑर्डर आया था? आप मदीना जाए या नहीं तो मदीना बनाए। हमने पाकिस्तान कैसे बनाया था? इंडिया में से ही बनाया था ना। अब पता चला मोहम्मद अली जिन्ना कितनी बड़ी चीज है। किसी भी एक जी शोर मुसलमान लड़के को पता चल गया कि जिन्ना ने इतना बड़ा काम कर दिया, मोदियों से निजात, खुल के इस्लाम की बात कर सकते हैं। निजाम की कोशिश में छोटे छोटे बोने आएंगे, अपने आप को इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई करेगा शहबाज शरीफ मेरे साथ। अमान यहां पे ऐसे नहीं चलता, वंदे मातरम यहां पे नहीं सुना सकता मुझे शहबाज शरीफ, उल्टा लटका दूंगा मैं इसको, और उसके अपने मोहल्ले वाले भी उल्टा लटका देंगे, तो इसलिए बुलाया था यहाँ पे। दूसरी टेक्निक लगाते हैं इधर, हमें धोखे की दूसरी टेक्निक लगाते हैं, और जस्टिफिकेशन ये भी हमारे बोने मुफ्तियान से ही लेते हैं, फिक्र नहीं करें। मगर जिना साहब ने जो काम कर दिया उसका एहसास तमाम पाकिस्तानियों को तब होता है जब ये उन मुफ्तियान ने, देखें जरा यूट्यूब पे ये इंडियन मुफ्तियान जो मेरे ऊपर लगे हुए, उनको देख के पाकिस्तानी लड़का कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे जिना के दर्जात बुलंद कर, मेरे इकबाल के दर्जात बुलंद कर। कैसे इन्होंने नस पकड़ ली थी कि ये अगली नस्लें तक तबाह करेंगे, और कैसे बोना बना कर रखी अगर हम इधर ही रहे तो। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडियन मुस्लिम यूथ को पता हो ऐसे मुफ्तियान को लाइसेंस देना बंद करें, इनकी मस्जिदों का बायकॉट करेंगे। भाई तू क्या कर रहा है? सफेद गोलियां बेचने के लिए इधर आया हुआ है? या तो पवित्र इस्लाम पे आ और हमें जत्थों में इकट्ठा कर, कैसे वो पाकिस्तान बना के ले उड़ा जिना। एक पॉलिटिक्स की थी ना, क्या किया था? और उसने पॉलिटिकल कैपिटल नहीं पकड़ना आपने, आपने अपने इंडिया के मफाद के लिए भी कोई कैपिटल पकड़ना तो पॉलिटिकल कैपिटल ही पकड़ना पड़ेगा। आप एक गोली की जरूरत नहीं पड़नी, एक तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, अगर सही तौर पर मुनज्जम हो गए आप, उतने ही हैं जितने पाकिस्तान में हम, 25 करोड़ इधर 25 करोड़ आप हैं, गिनते हम भी कम हैं, आप भी 35 होने, हम भी 35 होने, गिनते नहीं हम भी, मगर चले 25 25 तो गिन लिए ना। वो बांग्लादेश के लड़के लड़कियों ने उठा के पटख के फेंका अपने 2 नंबर को, कितने करोड़ों लोग आए थे? नहीं,
कई 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 100 लाख आए थे? नहीं, 35 लाख, 50 लाख? नहीं, आप जरा मुट्ठी भर चाहिए होते और ऐसे पल रहे थे गिरता। माँ बाप इकट्ठे नहीं हो रहे, ना पाकिस्तानी भी मैं, आप क्या, मैं पाकिस्तान की तो मैं क्या ही, आपको तो पता है मैं पाकिस्तान में कितनी सख्ती करता हूँ। अपना घर है ना, अपने घर पे तो ज्यादा एक एक्स्ट्रा लगनी चाहिए ना अपने बच्चे को। तू कौन चोरी करता है? हमसाया चोरी करे तो मैं समझ सकता हूँ, मैं क्या करूं उस बारे में, मगर अपने घर का बच्चा चोरी करते तो दो दो एक्स्ट्रा लगनी चाहिए। सो जितने भी ये पाकिस्तानी, अब मैं पाकिस्तानियों के साथ जरा बात कर लूं 2 मिनट, कि जितने भी पाकिस्तानी इस्लाम के दाई हैं, खुदा का वास्ता है पूरे इस्लाम के दाई हो जाए, आधे इस्लाम के दाई नहीं होते, वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं। आप मुझे ये बेवकूफाना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि शायद हमारा भी मकसद निजाम लाना ही है, हम तजकिए के थ्रू आते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपका मकसद निजाम होता तो निजाम के लफ्ज तो शुरू किया होता, कहीं से तो आपके जबान से स्लिप हो गया होता कि नहीं, इस्लाम का निजाम, इस पाकिस्तान में ताहूती निजाम है कभी तो। नो, मेरे खिलाफ एंगल देखें जरा, गौर कर रहा अनम बेटा, एक दफा ताहूत की वीडियो आई है, कौन मेरे खिलाफ सारी वीडियो बना रहा है इस वक्त? पाकिस्तानी उलमा भाई, तुम्हारी तो फील्डिंग कर रहा हूं मैं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, पहली दफा इन लोगों ने ताहूत का लफ्ज सुन लिया। आपको तो कहीं चाहता, साहिल थैंक यू, आपकी वजह से इन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आइडेंटिफाई कर दिया ना, मेरे खिलाफ आ गई। क्यों? उनको पता है असल में ताहूत निजाम है और उसके खिलाफ ही बोल नहीं सकते, डरते, डरपोक बोने। एक दफा उन 15-20 बंदों की लिस्ट चेक करें जो ताहूत के ऊपर मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए मुसलमान उलमा इकट्ठे हुए हैं, वो लड़के लड़के भी, वो बुजुर्गान भी। आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये हैं वो नेशन ऑफ इस्लाम के लोग, ये इस वक्त ये वर्जन है, ये लैंडस्केप है इस वक्त थॉट का, कि पूरा इस्लाम बताते हैं। शर्म आती है, किस बात का डर है मरने का? देखता हूं बड़े बड़े ऐसे प्लानर्स बैठे हुए हैं जिनको वो डर था, कहाँ लेटे हुए इस वक्त, किधर, कब्रिस्तानों में बैठे होते थे। नहीं, ये इस पूरे इस्लाम की बात बताएंगे तो मारे जाएंगे, हम बच बच के निकलेंगे। बैठे हुए सारे लेटे हुए इस वक्त कब्रिस्तान, पाकिस्तान के सारे कब्रिस्तानों में, सारे बुजदलान भी उसी तरीके से लेटे हुए। देख लिए मैंने उनके प्लान्स भी, कितने हजार साल जिंदा रहे हैं आप। बहुत अच्छा प्लान था आपका, बड़ा कामयाब हुआ, खवातीन का भी मर्दों का भी, जो हजारों साल की दुआएं करते थे, डर डर के निकलते थे जरदारियों से, एंड में वो भी कब्रिस्तान ही पहुंचे। शाबाश, बहुत अच्छा हुआ कि हमें हक जाहिर हो गया। किसने? आपकी डेथ से ही जाहिर, मौत से बड़ा हक क्या हक अल्लाह ने जाहिर किया हमारे ऊपर, पता चल गया कि किसी का कोई प्लान प्लून चलता नहीं है, जिंदा सिर्फ मेरा रब है, और शुरू से जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा। बस ये जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मोर्टल्स, जब ये लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने इतने इंफीरियर हो तुम। तुमने कौन से 1000 साल के प्लान बना लिए अपने लिए? दिस इज द वायरस, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायरस ही कहा है, लिटरली बीमारी, वाहन की बीमारी, दिलों के अंदर का वायरस है। बस ये है, बस जाते जाते बस ये पैगाम दे दूं उस तमाम तर कैंपेन के खिलाफ जो आप लोग, स्पेशली इंडियन मुफ्तियान, ये वो एक खास मुफ्ती जो इस वक्त बैक टू बैक वीडियोस आ रही, पता नहीं कब की वीडियोस है, किसी और बंदे ने चैनल पे लॉन्च किए, तो मुझे अभी उन्होंने इसलिए बुलाया हुआ था कुछ मेरे खैर खा मुफ्तियान थे, उन्होंने कहा सर आपके ऊपर ये कैंपेन चल रही है, तो मैंने वो जो वीडियो को थोड़ा सा इकतबास पूरा उन्होंने तबसरा तो लिख के रखा हुआ था, तो उन्होंने क्लिप जब दिखाए तो पता चला, मैंने कहा ये किस मुल्क का बंदा है? उन्होंने कहा इंडिया के मुफ्ती हैं, मुफ्ती यासिर साहब। तब मैंने कहा फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस बेचारे का बौनापन तो मोदी साहब की वजह से है, वो तो पैदाइशी बौना है, उसका दादा भी हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ, उसका बाप भी, और वो भी, वो तो डरपोक रहेगा। उसको कहें पाकिस्तानियों से बात करना बंद करे और ऐसे अल्फाज यूज किया करें जो साफ समझ आती हो कि हिंदी के, उर्दू बोलना बंद करो, पाकिस्तान का लड़का समझेगा आप कराची से बात कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे ना कंफ्यूज करो, बहुत सफेद गोलियां खा ली 2 नस्लों से हम लोगों ने, आप एक और आ गए हैं
नया वर्जन लेके, और ऐसी ऐसी आयतें सुना रहे हैं जो कि स्ट्रेट आयत सामने लिखी हुई है, आधी पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसे बेशर्मों को अपने अपने लाउड स्पीकर का रुख अपने अपने कबीलों में रखना चाहिए। आजाद मुसलमान से बात न करने के काबिल नहीं हुए आप। ओके यास्ते साहब, आजाद मुसलमान से बात करने के काबिल हुए नहीं है आप। आजाद मुसलमान से बात करने के लिए आजाद मुसलमान बात करेगा। इट इज दैट सिंपल। नो योर प्लेस। अपने इस्लाम की नस से मैंने आपको साबित किया है, आपका काम नहीं है पाकिस्तान के मुसलमानों से बात। हम आजाद मुसलमान हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जी मैं वसीम बात कर रहा हूँ फ्लोरिडा से। सर मेरा क्वेश्चन इसी इसी से मुताल्लिक है, ये जो अभी आपने बात की है इसी से, इसी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं, यू जूम्ड इन टू सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान, अगर इसी को हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, यूट्यूब और सोशल मीडिया से हमें जो एक्सेस मिली उलमा की, तो देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ उलमा, लाइक एक तजकिए से लेकर और खिलाफत तक हमारे पास एक मुख्तलिफ वो मिलता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको ग्लोबली भी इसी जो लैंडस्केप ऑफ करंट लैंडस्केप ऑफ स्कॉलर्स को अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि देखें मतलब अगर सूरह तौबा के अलावा अगर सूरह हदीद में भी देखें 25वीं आयत में मीज़ान कायम हो गई, नबी आ गए, बयनात आ गई और अल्लाह ने वो बैलेंस दे दिया ताकि हम उस किस्त को कायम करें, उसके बाद फिर अंजलनल हदीद की बात है कि फिर लोहा भी उतारा गया है, When is that gonna, ताकि क्योंकि हम उन लोगों में शामिल हो सकें कि जहां पे अल्लाह ने कहा कि we will mark these people for you know the successful people, हम उनको mark किया जा सके, तो क्या ये वो दौर है, उसमें हम कैसे move forward करें इस पूरी noise में। देखिए अल्लाह की तरफ से आपने सूरह हदीद का जिक्र कर दिया, ये सूरह हदीद को गौर समझे। मैं आपके सवाल के जवाब में सूरह हदीद जान के इर्तकाज उस पर कर रहा हूं, ठीक है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना सख्त वक्त साइकोलॉजिकली कभी भी नहीं मेरे पे गुजरा जितना सूरह हदीद के नजूल के टाइम पे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इशारा फरमाया कि, और सहाबा कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफेद हो गए थे, सूरह हदीद इस लेवल का स्ट्रेस था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सहाबा पे भी। क्यों? क्योंकि एकदम सूरह हदीद स्टैंडर्ड ऊपर ले जाती, इतना सख्त कर देती है स्टैंडर्ड को कि एक लीडर के तौर पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, कि एक लीडर को पता होना कि अभी मेरी कौम इस लेवल पर तैयार ही नहीं हुई, ठीक है, मगर अल्लाह ने डायरेक्ट अहकाम वो दे, सूरह हदीद जिसने पढ़ी है उसको पता है कि किस मौके पे और क्या क्या अहकाम उस वक्त आ गए। मैंने सूरह तौबा से क्यों स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। सूरह हदीद तब समझ आएगी जब सूरह तौबा के शान नजूल को आप उस तरीके से समझेंगे कि जिस तरीके से हक है समझने का। और मेरा नहीं ख्याल है कोई छुपा सकता है ना शान सूरह तौबा इस ब्लैक एंड वाइट। मैंने आपसे कहा ना कोई तफसीर उठा के देख ले, दुनिया का सबसे लिबरल मुस्लिम क्लैरिक होना सूरह तौबा में क्या कर, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है इधर उधर लेफ्ट राइट होने की। तो खुद अल्लाह ने कहा है सूरह तौबा में कि ये आपके पास आएंगे बहाना करेंगे कि हम इस वजह से जहाद नहीं कर सकते, ये आपके पास आएंगे और अल्लाह इनके बहानों से खूब वाकिफ है, इनको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। ये अल्लाह ने कहा हल्के हो या भारी हो, अब करनी ना तुमने है लड़ाई, चाहे तुम्हारे पास मतलब टका नहीं है, गरीब आ जाओ, तलवार भी नहीं आ जाओ, घोड़ा भी नहीं आ जाओ, चपली भी नहीं है प्यार में तब भी जाओ आओ। अब तो तीन ऐसे साहबी बदरी साहबी, दो बदरी हैं और काब बिन मालिक, उकबा उकबा उला के साहबी हैं, टॉप ऑफ बदर से भी ऊपर कराए हैं उकबा के छोड़े, काब बिन मालिक उकबा के साहबी हैं, पहली उकबा के दो उकबा ही ने। और अल्लाह ने क्या कहा उनसे वसीम कि ये उम्मत से बायकॉट कर दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायकॉट किया, अल्लाह के कहने पे इन तीन बंदों का बायकॉट हो गया, ये हमारे में से नहीं है, इनको साइड पे करो, ये बदर के और उकबा के साहबी, मतलब इसके ऊपर कोई मुसलमान है ही नहीं भाई, मगर डंडी मारो के चलो साइड पे हो, क्या क्या किस आप है वही परसेंटेज काम करने की कोशिश की हुज्जत।
और फिर कैसे तौबा कबूल हुई है, अब तफसील हम सबको पता है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा कि सूरह तौबा क्या किस लेवल के ऊपर आपका स्टैंडर्ड लेके जाती है ना, साइकोलॉजी का स्टैंडर्ड। अब आपने जो सवाल किया ना, वो ये कि इस ग्लोबल लैंडस्केप के अंदर मुस्लिम जो वॉइस है, मुस्लिम वॉइस जो स्पीकर पे, सोशल मीडिया पे, मस्जिद के अंदर, मिंबर पे, जो इस वक्त क्लासिकल और लेट्स जस्ट से अ लिटिल मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी दे रही है, तो आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ, आई एम नॉट गोना हाइड बिहाइंड द बुश, आई एम नॉट गोना से नेम्स बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे, बट यू कैन आई कैन जी टेल यू क्या गलत है, आपको पता चल जाएगा कौन गलत है, क्या का जी इंस्ट्रूमेंट मेरे से ले लें, टेस्ट भी कर ले खुद, मेरे कहने पे तो नहीं आपने मानना ना, आओ टेस्ट कर लीजिए, अगर ये सेंस बनाता है तो आप मान लीजिए, मानने के बाद देखें इस क्या के अंदर कौन कौन है जो ये क्या क्या कर रहा है, खुद ही पता चल जाएगा। तो सूरह तौबा इज अ वेरी क्लासिक लिटमस टेस्ट, तो इसमें मेरी कोई नई बात तो नहीं है, मैंने आपको कुरान की सूरत बता रहा हूँ, मैंने कौन सा कहा एक नया जी आइडिया है, ये आइडिया टेस्ट करो, नहीं सूरत कुरान की है, आप उनसे क्या मस्जिद में जुम्मे की सूरत, जुम्मे के खुतबे में सूरत तौबा आप क्यों नहीं बयान कर सकते, और उसी तरीके से बयान करें जो शुरू से लेके अंत तक, बीच में से कोई चीज जैसे ना वो जो मैंने आपसे कहा ना टीचर की निशानी समझ आ रही, तो सूरह तौबा इसलिए मैंने आपसे कहा, सूरह हदीद मुसलमानों के वो वाले स्टैंडर्ड्स ऊपर लेके जाती है, याद रखिएगा वो वाला मामला ये किसी ना किसी एंगल से बयान कर भी देंगे। सूरह तौबा तो निशानी ही उनकी है जो के अपना नफाक छुपा के इस्लाम के लबादे में होते हैं, सूरह हदीद वो नहीं है, सूरह हदीद उन ईमानदारों के लिए है जो ईमान पे भी है नजर में, उनको अल्लाह ऊपर लेके जा रहा है कि आप अगले स्टेप पे आ जाओ, ठीक है ओके ओके जी जी। सूरह तौबा वो है जो थर्मामीटर है, बुखार है कि नहीं है, मुंह में डाले पता चल जाएगा बुखार है कि नहीं है, सूरह तौबा वो है, ओके समझ समझ रहे। सो गया जी जी तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी मुफ्ती को टेस्ट करना उसे कहें सर मेरी गुजारिश है सूरह तौबा समझ नहीं आ रही समझा दें, वो अकेले में भी नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि उसको पता क्या लगेगा, वो कहेगा तुम्हें किसी एजेंसी ने तो नहीं भेजा हुआ मुझे टेस्ट करने के लिए, FBI, CIA या ISI ये रॉ या मोसाद, ये कौन सी एजेंसी से आए हो जो मुझे टेस्ट कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो कि मैं एलाइजा मोहम्मद हूं कि नहीं, हूं तो नहीं बताऊंगा सूरह तौबा, अगर जी नहीं हूं ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, असली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तो सुना दूंगा, अगर एलाइजा मोहम्मद का उम्मती हूं तो नहीं सुनाऊंगा, इट इज दैट सिंपल, परसेंटेज है ना। तो आप खुद देखें ना, अब सूरह तौबा तो चले आपको हर बंदे को तो नहीं मौका मिलेगा मुफ्ती के एक्सेस का, आप इनके रेगुलर पैगामात देख लिया करें, इनके पैगामात मैंने अभी वो वीडियो देखी ना, अभी मुझे उन्होंने 45 मिनट खाली वीडियोस दिखाई हैं अलग अलग, अभी मैं 2-3 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, ईशा के बाद दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि सर इस बात में ये दलील है उनकी, ये तनकीद है, ये दलील है ना, सर आपको अब मैं क्या बताऊंगा, देवबंदी बरेलवी से छोड़े जो भी थे, और मैं देखी जा रहा हूँ कि आपको क्या मसला है यार, वो तो इंडियन मुफ्ती है, उसको तो मसाइल की लिस्ट है, उसको तो जद्दी पुश्ती मसाइल है, बहादुर शाह जफर से बेचारा डरा हुआ है, वो तो पहले गोरों ने पिटाई वो की फिर हिंदुओं ने पिटाई की, मैं समझ सकता हूं यार आपको क्या मसला है, लाइक यू आर हियर इन इस्लामाबाद, क्या हो रहा है ये, कितना ये क्या हो गया, ये मैं ये किन बौने हरीफों में आ गया हूं मैं, समझ रहे, ये बहुत जी जरूरी है कि आपको पता हो मैं क्या कह रहा हूं, ये बेसिक टेस्ट है। तो ये आपको अमेरिका के क्लरिक्स हों ज्यादातर, मेरी तो बातचीत है उनसे इसलिए मुझे पता है, कनाडा के क्लरिक्स हों मैंने खुद पूछा है, इसना कॉन्फ्रेंसिस मैं ही अटेंड करता था तो मैं तो जाके पूछता था सर व्हाई नॉट दिस एंड दे, क्या बहाना करते थे वसीम वो मेरे सामने कि अगर जी हमने ये बात बता दी ना तो हम जो बात बता रहे हैं हम उसके भी काबिल नहीं रहेंगे, लोग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जितना इस्लाम है वो भी खत्म हो जाएगा, ये बहाना देखा इनका, इस बहाने को मैं अभी सर्जरी करके डॉक्टर की तरह आपको बताता हूं, इस बहाने के इंसिजन करें इस बहाने के ऊपर और अंदर जाएं, इस्लाम की नस क्या है कि आपने बाज आयतों को एनफोर्स करके बाज आयतें छुपानी नहीं है, ये इस्लाम की नस है, ये कहते हैं सर हम बाज आयतें इसलिए
जाहिर कर रहे हैं जिसमें नमाज पढ़ लिया करो बेटा, खैर है बहन अगवा हो गई है तुम नमाज पढ़ लो, ठीक है, बाप को कोई ले गया है शिया, तुम रोजा रखा करो बेटा, जिक्र कर, ठीक है, या हफीजू कर, तेरा भाई सलामत रहेगा CIA की जेल में, या हफीजू मतलब इन लोगों ने अपने आप को किस तरीके से इस्लाम का लबादा कवर में डाला हुआ है। ये इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कनेडियन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं मैं जॉर्ज गैलवे को नया नया बैन किया था, ज्यूइश लिबरेशन, ज्यूइश क्या नाम है उसका, या उस फाउंडेशन का नाम मैं भूल गया हूँ, यहूदियों की एक वो है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जॉर्ज गैलवे का टूर था कैनेडा का, उसको बैन कर दिया उन्होंने। जॉर्ज गैलवे का नाम पता है आपको, वैसे मुसलमान नहीं है वो, ठीक है, इंग्लैंड का, जी 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 अभी दोबारा MP सिलेक्ट हो गया, अभी वो बेसिकली आयरिश बंदा है, जी जी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। अच्छा नहीं, बन गया, अभी दोबारा जीत गया इलेक्शन, तो दोबारा, ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट। आई थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर, मतलब खबर तो यही आएगी जीत गया। तो जी जी उसका एक बेसिक टूर था, वो उसने कौन सी इलेक्शन कैंपेन करनी थी उस वक्त, वो तो बेसिक टूर था। तो एक वसीम, एक चर्च ने यहूदियों ने क्या कहा, बैन क्यों किया भाई, ये तो अंदर से मुसलमान है, लिटरली बोला उन्होंने कि भाई ये तो एक कोई ये प्रो मुस्लिम सेंटिमेंट लेके आता है और ये डिटेरेंट क्रिएट कर रहा है, ही इज कैस्टिंग हिज स्पेल ऑन द मुस्लिम्स टू, क्योंकि इसकी कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, तो ये उनके वोट लेने के लिए ना पूरी दुनिया में ये कैंपेन, ये यहूदियों ने उनके उसके ऊपर एतराज लगाया था, ठीक है। ओके तो ओके एक हाँ मैनिटोबा का या फिर कैलगरी का कोई एक चर्च है, उस चर्च ने कहा कि हम होस्ट करेंगे जॉर्ज गैलोवे, यहां तक कि गवर्नमेंट ने फिर बैन लगा दिया। तो चर्च में क्या हुआ, चर्च में फिर ऑनलाइन, उस वक्त इस तरह का ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन का, ठीक है, अब तो आम हो गया ना, उन्होंने फिर स्क्रीन्स लगाई चर्च में और गैलोवे को ऑनलाइन लाइव किया कि हम देखते हैं कि तेरी अब बात क्यों नहीं पहुंचेगी आगे तक। क्रिश्चियंस पता है क्यों, क्रिश्चियन चर्च क्यों LGBT के खिलाफ रोड पे आ जाता है, क्यों तड़ियां लगाते हैं रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो मेजोरिटी में है वसीम, समझ रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन नहीं कर सकते, माइनॉरिटी में ना इंफीरियर साइकोलॉजी मैं समझ सकता हूँ, मेजोरिटी में इंफीरियर साइकोलॉजी मुझे समझ नहीं आती। कभी देखा है आप अमेरिका में, किस मुल्क में आप इस वक्त, सर अमेरिका में ओके, तो अमेरिका में जो बाइबल बेल्ट है ना, साउथ साउथ ईस्ट की रेड स्टेट्स जी बोलते हैं जिसको, ठीक है, रेड स्टेट्स तो जी खैर जी बहुत सारी है, तो रिपब्लिकन की है, बाइबल बेल्ट है मिसिसिपी, खैर सेंट्रल पूरी टेक्सास भी बाइबल बेल्ट में ही आनी चाहिए, टेक्सास के ईस्ट में, फ्लोरिडा से थोड़ा सा वेस्ट में, ठीक है, वर्जीनिया तक ऊपर, इवन इलिनॉइस के भी थोड़ा सा नीचे ले आए, सेंट्रल साउथ ईस्ट, ठीक है, न्यू ऑरलीन्स, यू नो मिसिसिपी, वर्जीनिया, ये सब बाइ केंटकी, ठीक है, बाइबल बेल्ट है सारी, वर्मॉन्ट, क्लासिक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ये सब बाइबल बेल्ट है। इनके अंदर आप एटीट्यूड देखें क्रिश्चियंस का, लोकल गोरे का, और वेस्ट फ्लैंक, वेस्ट कोस्ट में और ईस्ट कोस्ट में गोरे का एटीट्यूड देख, आपको साफ समझ आ जाएगी, इसमें कोई जी कोई जी मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस है ना इनके एटीट्यूड में, मतलब रोड के ऊपर खड़े होके लड़ाइयां और दंगे कर देते हैं, राइट्स कर देते हैं, मारते हैं लिटरली, चाहे वो कालों को मारना हो, मुसलमानों को मारना हो, ये नहीं छोड़ते, ठीक है। जी सो बिल्कुल हम नॉट सेइंग कि वो सही करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज सुपीरियर साइकोलॉजी के अंदर डर नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मुसलमान माइनॉरिटियों को यहां पे मारना शुरू करते, नो नो नो, व्हाट आई एम सेइंग इज जो भी आपका फलसफा होता है उसको प्रैक्टिस करने के पीछे आपको डर नहीं होता, जो भी बिलीफ होती है आपकी, ये एक ऐसा मामला है जो कि चर्च बार बार करके दिखाता है, चर्च बाइबल बेल्ट कहते हैं उसको, है ना, जहां पे यू नो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बहुत मोनोपोली है, तादाद भी ज्यादा है, और उधर यहूदी सड़क नहीं क्रॉस कर सकता आज के टाइम पे भी, अभी भी यहूदी बाइबल बेल्ट में नहीं रहते, समझ आई, यहूदी ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे सारे यहूदी अमरीका के, ऑफकोर्स वेस्ट कोस्ट पे भी हैं, मगर बाइबल बेल्ट में नहीं यहूदी एंटर,
यही हरकत, यही तकरीबन मामला तक कनाडा का भी है। इसलिए सेंट्रल स्टेट प्रोविंसेस के चर्चेज ने गैलवे को बुलाया कि भाई ये यहूदियों को कब से ये इतनी जरूरत हो गई कि बंदा बैन करें, किसको, एक क्रिश्चियन को बैन करें कनाडा आने से। जॉर्ज गैलवे था ना, क्रिश्चियन को बैन किया, वो भी जी। आयरिश, आयरिश लाइक आयरिश क्रिश्चियन को अच्छा, बैन किया आई इंग्लैंड थॉट वो वीवा वीवा पैलेस्टीनिया की वजह से शायद ही से। नहीं, वो जस्ट फैलस्तीन सम मूवमेंट तो बहुत ज्यादा उसकी करता था ना, वो तो जाहिर है इन्होंने तो करना ही था, मगर क्रिश्चियन चर्च ने उसकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी की वजह से कहा बेटा हम देखते हैं कौन तुझे बैन करता है, राइट। समझ रहे। सो मुसलमान कभी सोच सकता है अमेरिका में कि जॉर्ज गैलवे के बैन को हटा के लाइव कर दे, कभी नहीं सोच सर, सकता है? बल्कि मेरा इस ना, मैं आई वर्क फॉर देम इन लॉजिस्टिक कैपेसिटी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करना वो, बट मेरा इख्तिलाफ यहाँ पे हुआ जब वन ऑफ देयर फाउंडर्स, आई एम नॉट गोना टेक अ नेम, बट लेकिन जो वो एलजीबीटी और उनके मार्चेस में तो जाते हैं, बट दे कैन नॉट हैव अ प्रोटेस्ट फॉर देयर ओन सेल्फ और फॉर देयर ओन मैंने आइडेंटिटी। खुद पूछा हुआ है उससे जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैंने खुद जी जी आफ्टर द लेक्चर से पूछा था कि सर ये वाली आई स्किप की है आपने सेशन में, आपको पता है दिस मैन फ्लेड विदाउट इवन एसिंग मी, ही फ्लेड राइट। जी। तो बहरहाल अभी कहानी यह है कि आपको आसान करके बता रहा हूं, मैंने कोई एक्शन पॉइंट नहीं दिए कभी भी यूथ को, मैं ये नहीं कहता और यू नो व्हाट इसके बाद ये एक्शन पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूं पहले सोच तो बनाओ, और सही को सही कहने के लिए तुम्हें जो डर लग रहा है उस डर को पहचानो तो सही, अदरवाइज ये सोचना तो बहुत बड़ी बात होती है। कभी नोटिस नहीं किया आपने वसीम, मुसलमान सोचना भी बंद कर चुका है, सोच भी गोरा एग्जैक्टली ही रहा है इस बिल्कुल वक्त, सोच जी भी गोरा ही रहा है, क्राइम भी बड़े लेवल ही करता है तो प्रोग्रेस भी बड़े लेवल ही करता है, हम क्राइम भी छोटे और गटर के लेवल के करते हैं, चीप गुनाह हमारे, और सोच भी हमारी चीप और छोटी है। नोटिस जी करें ना सही, पैटर्न तो देखें, मुस्लिम थॉट लैंडस्केप नजर आता है पूरा का पूरा कि ये क्या हुआ हमारे साथ, जिस तरह ओलंपिक्स में हमारे साथ हाल होता है ना, इसी तरीके से थॉट मैट्रिक्स में भी है, कोई गोल्ड मेडल नहीं हमारा, सो सिल्वर मेडल नहीं, कोई ब्रॉन्ज नहीं, टॉप 100 में नहीं आती हमारी थॉट क्वालिटीज, और ऐसी ऐसी कौमें ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं बगैर किसी फलसफे के, यू नो, अपने आप को लिबर्टी देने के लिए कि सोच में, सोच में तो अपर्चर तो खोलो यार। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी इस्लाम का गलत वर्जन देना है, नवाज शरीफ इमरान खान नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है इस्लाम क्या होता है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो गालियां निकाल रहे होते हैं बैठ, उसको क्या पता इस्लाम क्या होता है भाई, उसका ना काम है ना उसने कभी कहा है, ना आखिर इमरान खान ने, नजरदारी ने कभी इन्होंने लफ्ज नहीं बोला इस्लाम का, दे डोंट इवन नो एंड दे डोंट इवन वांट टू नो, पर आई एम अफ्रेड ऑफ कि भाई इस्लाम के नाम के ऊपर तो दोनों भी नाम फैलाओ, तुम पाकिस्तान के नाम पे फैला लो, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, जो मर्जी करो भाई, मगर तुम इस्लाम के नाम के ऊपर आ गए तो नहीं, इस्लाम का ये हाफ हाफ जो पीस ऑफ द पाया भाई, ये बस ये नहीं खाना है ठीक है, और यही है भाई इस्लाम। सो इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट अब्सर्ड, एक्चुअली इट इज दैट अब्सर्ड जो कि हमारे साथ बच्चों के साथ ही कर रहे हैं, और लड़का जेन जी का लड़का और जेन जी की लड़की इस लेवल के ऊपर क्रिस्टल क्लियर है ना कुछ चीजों पे, उसने कलाबाजियां खिलवानी है इन मुफ्तियों को भी और इन आलमों को भी, उसने तो पॉलिटिशियन नहीं छोड़े जेन जी ने अभी, वो ये क्या चीजें, उन्होंने तो स्ट्रेट सवाल का सवाल करने हैं कि कुरान में तो ये लिखा हुआ भाई, आपने क्यों उल्टा क्यों बताया, अभी तो जेन जी बड़ी नहीं हुई ना, अभी तो उन्होंने दरसगाहें छोड़नी है, दीन में भी तो आना है ना जेन जी ने, उन्होंने दुनिया में भी जाना है, दीन में भी जाना है, उन्होंने तो उल्टा लटका देना इनको कि ये क्या किया तुमने हमारे साथ, वो अलग बात है उनकी अलग अपनी अपनी बीमारी है, मगर ये उसकी स्ट्रेंथ है। अभी देखे पैलेस्टीन के प्रोटेस्ट किसने किया है, जेनजी ने किया है, पूरे के पूरे यूरोप को एग्जैक्टली जेनजी ने नाक डाल के रखी है फलस्तीन के पीछे, क्रिश्चियंस जी गैर मुस्लिमों ने, ये छोड़ेंगे पाकिस्तान में नहीं, जेनजी यहां नहीं बच्चे पैदा हुए, हमने तो 3 गुना ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, और वही वाले यूट्यूब देखी है इन्होंने, वही वाले सीजन देखे नेटफ्लिक्स के जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने देखे थे,
हमारा बच्चा पीछे तो नहीं है 2 नंबरी में, पूरी तरीके से वो है तो जेंजी का ही, उसी तरीके से साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहा है। मोरालिटी के ऊपर तो बहुत ही बड़ी डिबेट खुली है जेंजी में, इन्होंने तो डीप फ्राई कर देना इनको इस्लाम पे। जब जेंजी ने आना, उन्होंने कहना सर सब कुछ बाद में, सबसे पहले ये बताओ कि 2 नंबरी क्यों की थी। मैंने भी बाय द वे वही सवाल पूछा जो बच्चों ने पूछते हैं, सर कुरान में क्या 113 सूरतें हैं? नहीं 114 है, तो फिर पढ़ो ना सूरह तौबा, 113 सूरतों का कुरान क्यों प्रेजेंट करते हो। सो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वी डूइंग इट टू आवर ओन सेल्फ। मैं खाली कह रहा हूं अम्मी, और मैं ये कह रहा हूं अब्बू, प्लीज डोंट बी अ पार्टी टू दैट क्राइम, क्योंकि क्यामत वाले दिन बचत नहीं है। बड़े बड़ा गैर मुस्लिम शायद बच जाए, मगर वो वाला मुसलमान नहीं बचेगा जो कुरान की कुछ आयतें छुपाता था। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने खुद गारंटी दी हुई है। जी बस नेक्स्ट सर क्वेश्चन प्लीज। अफसोस अफसोस यही होता है कि बस मट्टी भी नम है, जरखेज भी है, बट दैट दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज कि द यूथ इज रेडी टू टेक, बट इट्स वो जो रोड ब्लॉक्स हैं, दैट इज द मेन हर्डल. इंशाल्लाह अल्लाह ही करेगा, अल्लाह नाम रखे उसको, जरखेज ही रखे। मैंने सिर्फ जनजी की तारीफ की है, आई हैव सीन ग्लोबल लेवल के ऊपर जो भी इवेंट्स हुए, आप जरा नोटिस करें, तुर्की में देखें क्या हुआ है, और ये पैलेस्टाइन के इस मामले के ऊपर जनजी के रिएक्शंस देखें आप। यही 70 साल फलस्तीन का मसला है, एक्स फेल वाई फेल, जी ने हरकत की है, ठीक है। तो आई हैव होप आप बांग्लादेश में देखे ना, जेंजी नहीं नजर आई आपको, कोई बाबा नजर आया, समझ रहे हैं? सो आई हैव होप अल्लाह ताला बड़े काम ले इंशाल्लाह हमारे बच्चों से। जी सर आमिना, अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैंने वैसे तो आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछने थे, लेकिन इस वक्त जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दो एक्चुअली मैंने आपसे बातें पूछनी है. एक तो मैंने आपसे ये कहना है कि जो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लाइक सारी इंटरनेशनल पावर्स, ठीक है, किस तरह से क्या कर रही हैं और उसमें हमारा क्या रोल है, और लाइक मिडल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है. तो अगर हमने ये जानने के असल में वहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें मतलब कोई बुक वगैरह आप कोई रिकमेंड करेंगे, या आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम सही में जान लें कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं जब ये सोचती हूँ कि मरते वक्त मतलब मैं मरने से पहले ऐसा क्या काम करूं कि मैं मरते वक्त बिल्कुल खुश हूँ, राइट? मतलब मैं जिस भी रोल में अपने आप को इमेजिन करती हूँ, तो लेकिन मैं फिर भी मरते वक्त खुश नहीं होती उस रोल में. तो ये दो क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे. आपका नॉलेज भी ज़्यादा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, आपने बुक्स भी ज़्यादा पढ़ी हुई है, तो आप मुझे गाइड कर दें. अभी आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस्लाम पे लाइक आई वॉन्ट टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही. तो प्लीज़ आप ये बता दें. थैंक यू. इस सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कॉन्शियस कॉन्शियस हो अपनी डेथ के वक्त, मतलब डेथ के वाले कुछ लम्हात में कॉन्शियस हो, और वो ये सोचे सिवाय एक के, सिवाय एक के कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो सेटिस्फाई होगा मरते वक्त, हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट ह्यूमन डिस्पोजिशन, ओके, ह्यूमन डिस्पोजिशन ही इसके खिलाफ है, मेंटल डिस्पोजिशन इनकी। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, ये मीटिंग रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट मत भेजें, आपने मेरी स्क्रीन हैंग करवा दी है दोबारा। क्या नाम था बच्चे का? आमिना आमिना, आमिना, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मरते वक्त कॉन्शियस हो और फुलफिल्ड हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कोई भी हमारी दिमाग की तनसीब भी ऐसे नहीं हुई, जहन हमारा इस एंगल पे सेट नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इसकी वजह यह है आमिना, कि जिसको आप टेंजिबली अपनी जान से ज्यादा पलड़े में वेट देते,
ठीक है, तो जब आपको पता होगा सबसे ज्यादा कीमती चीज आपकी जान है वो जा रही है, तो गाड़ियां, घर, माल, दौलत, रिश्तेदार तो आपके साथ नहीं मर सकते ना, कोई आपको जान दे दे तो आप निकाल लें, तो ऐसा नहीं हो सके ओ ये रिग्रेट हो गई कि मेरे बच्चे ने अपनी जान मुझे दे दी और वो बेचारा मेरी जगह मर गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आपको अपनी जान बाकी की तमाम टेंजिबल से ज्यादा ही वेट में रख, तो जब वो आपको इतने बड़े वेट की चीज लूज हो रही हो, और वो भी ऐसी चीज के जिसके बाद वापस भी नहीं आनी और कोई निगोशिएशन भी नहीं है, तो यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अभी बता दूं, चाहे जितने मर्जी हज कर लें, उम्रे कर लें, नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, नो मैटर व्हाट यू डू यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, अनलेस इल्ला कौन, वो जिसकी जान जा ही अल्लाह के लिए रही हो। ओके, जिसकी जान अल्लाह के लिए ही जा रही हो, वो बंदा है जिसको मरते वक्त के वक्त मर्ग के वक्त वक्ते मर्ग उसकी वो कैफियत है कि जो अल्लाह ने अपनी मर्जी से स्पेशल एग्जेम्पशन के तौर पे जो अल्लाह की राह में असल में लड़ाई करते हुए मर रहा हो, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देर इज नो वे दैट दिस मैन कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ डेथ विच एनी अदर ह्यूमन बींग इज गोना हैव। वो तो साफ बता दिया हदीस में, उसको जैसे ही मौत आ रही होती है, तो सिंस ऑफ कोर्स ही इज डाइंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह, वट एवर इंजरी इज गोना बी अपॉन हिम, उस इंजरी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि उसका खून अभी जमीन पे नहीं गिरने पाता कि फरिश्ते को ऑर्डर हो चुका होता है, क्योंकि अल्लाह को तो पता है क्या होने वाला है नीचे, कि दिस इज द टाइम ऑफ हिज डेथ नाउ, बिफोर दिस मैन ड्रॉप ब्लड ड्रॉप द ड्रॉप ऑफ ब्लड हिट्स द फ्लोर हिट्स द ग्राउंड हिट्स दिस डस्ट, आपने उसको अपनी अगली मंजिल दिखा देनी है। ओके, जान निकलने से पहले पहले कॉन्शियसनेस के अंदर फरिश्ता आपको आपका जन्नत का घर दिखा देता है, और वो लिटरली आपसे बात करता है, ऑब्वियसली वो किसी और रेलम की बात है, तो ये समझ ले मैं मुहावरे में कह रहा हूं कि वक्त को वो रोक लेता है फरिश्ता, और उस रोके हुए वक्त में वो आपसे फिर मुबारकबाद देता है, आपको घर दिखाता है आपको, और उस दौरान दुनिया वालों के सामने तो नैनो सेकंड लग रहे हैं ना, मगर आपको ऐसा लगेगा कि वक्त रुक गया, और उस दौरान आपको ये फीलिंग आती है, इतनी बड़ी फीलिंग है ये, इतनी बड़ी और इतनी क्लियर और इतनी क्रिस्टल फीलिंग है ये, इस पे कुछ शक नहीं है कि इस दौरान अगर तो वो एपिटमी आपने पकड़ी है कि वाकई में द अल्टीमेट डेथ आप ले रहे, तो इस दौरान ये वाली फीलिंग का फ्लेवर, ये वाली डेथ का फ्लेवर ऐसा होता है कि इंसान नेचुरली मेंटल डिस्पोजिशन ये है उसकी कि वो ये कहता है, मेंटल ये हमारी जेहन की डिस्पोजिशन ही है, क्योंकि आपको सब कुछ दुनिया जिसकी जान जा रही होती है तो दुनिया में फंसा होता है ना, दुनिया की चीज जा रही होती है ना, मगर आप उसको रियलिटी खोल देते हैं अल्लाह ताला उसके सामने, तो वो नेचुरली क्या कहता है, हमारा जेहन की डिस्पोजिशन ही है, वो ये कहता है कि ये इस मोमेंट को, जिस मोमेंट में मैं इस वक्त हूं, इस मोमेंट को रिपीट करने का चांस कैसे दोबारा मिल सकता है, आई वॉन्ट टू गो थ्रू दिस, बात की बात है जन्नत में जाना है जन्नत का घर, तो जो ये बात कुछ होगा देखी जाएगी, इस वक्त मुझे जो ये फीलिंग आई है, ये फीलिंग मुझे दोबारा चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस मेंटल रिफ्लेक्स है। ओके, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब, इसके मेरे पास हदीसों से क्लियर सबूत है, और साइकोलॉजी पूरी की पूरी इसके ऊपर पूरी तरीके से, गौरों की गैर मुस्लिम साइकोलॉजी भी इसके ऊपर पूरी तरीके से थप्पा लगा के फाइल वैलिडेट सर्टिफाई करते हैं कि यस इफ दिस हैपेंस, यस योर मेंटल डिस्पोजिशन इज दिस, ये है आमिना। और चूंकि ये इतनी बड़ी चीज है और ये हमारी फितरा हमारी मेंटल डिस्पोजिशन ही है, अल्लाह ने इसको जो जो मेंटल डिस्पोजिशन आपके लिए बेस्ट होती है ना, अल्लाह ताला वो फर्ज में डाल देते हैं, ये है कुरान, ये है इस्लाम, जो आपके फायदे की चीज और बड़े आखिरत में प्रोग्रेस दुनिया की फतह करने के लिए जो मसल चाहिए, अल्लाह ने वो मसल बनाना फर्ज कर दी,
जो चीज आपके फायदे में जाती है, एज अ कॉम, एज अ ग्रुप, एज अ जत्था, एज अ फर्द, एज अ गर्ल, अल्लाह ने जो चीज जो आपके डेवलपमेंट में काम किया अल्लाह ने वो फर्ज कर दिया। अल्लाह ताला ने वो फर्ज नहीं किया हुआ कि जो आप समझते हैं हाँ यार ये मेरे डेवलपमेंट के लिए तो काम नहीं है मगर ये फर्ज है। ना ना, ऐसा कोई फर्ज नहीं इस्लाम। इस्लाम में सारे के सारे फराइज वो हैं जो आपकी ही डेवलपमेंट और आपकी ही सक्सेस के लिए। सो सिंस दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स, तो ये अल्लाह ताला ने आप पे फर्ज कर दिया। यहां तक अल्लाह ने कहा कि जिसको ये वाली मौत जो हमने आपने कहा ये वाली मौत की ख्वाहिश ना हो, हदीस ये है, जिसको ये वाली मौत की ख्वाहिश ना हो तो वो पहले ही वो सारी उम्र नफाक पे था और नफाक में ही मरा, मर रहा सबने, मगर जिसको ये वाली मौत की ख्वाहिश नहीं है वो नफाक में मरा कि मैं अल्लाह की राह में लिटरली तलवार या गोली से मरूं। जिसको ये ख्वाहिश नहीं आई वो मुनाफिक मरा है, ये गारंटी है किसकी, मेरे नबी की। ठीक है, और जब मैं कहता हूं ना अल्लाह से शहादत मांग करो तो अमिया रो पड़ती, क्या ये और भी तो तरीके मरने के ऐसा कौन सा पेनलेस तरीका आपके पास, मुझे नहीं बताए जी। 150 साल के हो जाएंगे और अचानक ऐसी बीमारी लगी एनीमिया टाइप की जो आपको पता नहीं चलेगा, रात को सोते सोते फर्क मर जाए, ये इनके विजन है, विजन्स। तो हमारे बच्चे 150 या 170, 100 चले 149 भी कर लें, एक दो आगे पे 145 में मरे, रात को सोए बाबा जी और इतना खून खत्म हुआ उसका कि उसको पता नहीं चले मर गया, ये इनके ग्रैंड विजन्स है। दिस इज ऐसी डरपोक माँ का, ऐसी डरपोक बच्चे ही पैदा हो रहे हैं जो 25 करोड़ भर दिए होंगे, ऐसी एनविजन किया है उन्होंने, ऐसा जबरदस्त विजन उनका। जैसे वो क्रिश्चियन को नहीं कहा गया ईसा सलीब पे तुम्हारे गुनाह की कफारा दे चुके, कितना बड़ी लॉटरी। इतना हमारे भी है 1000 साल 150 साल में पेनलेस डेथ। ठीक है, सो अब ना वेन यू आर यंग एंड यू व्हेन यू आर इन योर प्राइम ऑफ यूथ, विच मीन इन योर 30s, लेट 30s, चले 40s, योर प्राइम ऑफ यूथ, उस ताकत में आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अपनी जवानी की ताकत को के मतलब उस जोबन पे अपने आप को दीन पे सर्फ कर दे, अल्लाह उस बंदे की सबसे ज्यादा रैंक रखता है, उस बूढ़े की नहीं कि जो बुढ़ापे में आगे दीन, नहीं, अपनी जवान क्यों कुर्बानी उसके बदले दूसरी की थी, छोटी सी दुनिया मगर लोग ये भी इसमें से भी नहीं बच सकते ना। ठीक है, सो इफ यू आर इन योर 20s एंड यू आर थिंकिंग ये, और काश आप में अपने आप के ये दुआ करें आप कि काश ऐसा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इन द राइट मेंटल ट्रैक। अब आते हैं आपके पहले सवाल की तरफ, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहे हैं और उनके क्या कॉज हैं, उनके पीछे क्या प्लान्स हैं, उनके मकसद क्या हैं, उनके विजन क्या है, अगले 100 साल में वो किधर लेके जाना चाह रहे हैं, इसकी कोई एक किताब नहीं बता, मगर ये मैं बता दूं इसकी जो बेस्ट किताब है ना वो है कुरान मजीद। वो क्यों है, क्योंकि वो पैथ से पूरा पैटर्न बताती हुई आई है, और मैं अभी बता रहा हूं मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं अभी तक इंसानों के कोई नए पैटर्न नहीं देख सका, वही पैटर्न है जो पिछली कौमों के थे, अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह की नजर से देखेंगे आप, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में उनको लिख दिया कि अल्लाह की नजर से इंसान के पैटर्न क्या नजर आते, तो अल्लाह ने तो इंसान को बनाया, अल्लाह तो मशीन के पैटर्न बता रहा है। अब आपने पॉलिटिकल साइंस की किताबें छोड़नी नहीं है, जो भी मिले पकड़ लें, चाहे वो गोरों की हों, कालों की हों, चाइनीज की हों, स्कैंडिनेवियंस की हों, देसी हों, ये तो आपने देखनी है इस वक्त पोलिटिकल सिस्टम्स क्या हैं, और पोलिटिकल सिस्टम ही असल में दीन होता है, इनके पीछे क्या हिस्ट्री थी, किसने शुरू की, जो भी बेसिक छोटा पोलिटिकल बबल बनता है जैसे वुमेन लिबरेशन फ्रंट का है, वो से लेके पूरी कैपिटलिस्टिक मूवमेंट, इंपीरियलिज्म कहाँ कहाँ पे इस वक्त अपने जड़ें लगा रहा है, कौन कौन सी ताकतें इस वक्त चाइना से, अमेरिका से और रूस से कौन कौन से रेडिएशन निकल रही है इस वक्त पूरी दुनिया को असर कर रही है, ये आपको तो पढ़नी तो पड़ेगी। बट देयर इज नो वन बुक फॉर इट, देयर आर मेनी बुक्स फॉर इट इन द नेम ऑफ पोलिटिकल साइंस विच यू हैव टू पिक अप, बट डोंट जस्ट रीड एकेडमिक लिटरेचर बेस्ड ऑन डिग्रीज एंड डिप्लोमास, रीड द ऑथर्स विच आर एविडली वेल वर्स्ड, वेल रेड एंड रिसर्च, जो कि एनालिटिकल एंगल से दुनिया को देखते हैं, अभी जिंदा हैं काफी सारे, उनको भी पढ़े जो पिछले कुछ सदी, पिछली सदी में, इसी सदी के शुरू के हिस्से में बहुत हो गए, वो भी पढ़े, गोरे भी है काले भी, ठीक है सबको पढ़े, मगर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर अभी 20 साल की हैं आप, अगले 10 साल सर्फ करें आप। मेरी तमाम यूथ से गुजारिश होती है इस सियासत को
दीन का पहला फर्ज समझ के दाखिल हुआ करें। दीन का पहला फर्ज सियासत है, याद रखिए, दीन सिस्टम का पहला फर्ज सियासत है। तो जब आप 12 साल के हो गए थे, आपके दिमाग का वो हिस्सा बन गया था, एटलीस्ट शुरू तो हो गया था, बड़ा मेजर हिस्सा परसेंटेज बन गया, जो कि दीन को मतलब सोशल साइंस को समझ सकता है, पॉलिटिकल साइंस को समझ सकता है। तो आपको तो पहला फर्ज यही इसलिए बनता है। तो जब आप 20 22 25 साल 35 साल 40 साल के हो, तो तब तक आप पूरी तरीके से इस थॉट को एस्टेब्लिश कर चुके हो कि मैं ग्लोबल लॉबीज कैसे बनाऊं, मुसलमानों को इकट्ठा कैसे करूं, पैसे इन तक कैसे पहुंचाए जाएं, ये खुद अपने पैसे कैसे जनरेट करें। ग्लोबल लॉबी का मतलब होता है पॉलिटिक्स, पैसे जनरेट करने इस लॉबी के थ्रू, ब्लॉक चेनिंग करने का मतलब होता है पॉलिटिक्स, इनके IQ कैसे बढ़ाए जाए एज ए कम्युनिटी, पॉलिटिक्स। जब आप एक कम्युनिटी के अंदर एक IQ बढ़ाते हैं तो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। सो वंस यू नो दीज सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन यू नो के मुसलमानों को कैसे हर्ल्ड करना है, HERD, हर्ल्ड, गेट देम टुगेदर। अमेरिका के ओवरसीज मुसलमान सबसे ज्यादा इस वक्त पावर में आने के पोटेंशियल रखते हैं, इंग्लैंड के, जर्मनी, फ्रांस के, स्कैंडिनेविया के, द पीक ऑफ द पीक मुस्लिम इस वक्त मेरी उम्मीद उनसे है, ठीक है, स्कैंडिनेविया के। बट इन मॉरल एंड मेंटल एक्यूमेंट, पोलिटिकल एंड फाइनेंशियल एक्यूमेंट में इंग्लैंड अमेरिका, ठीक है, मॉरल एंड मेंटल एक्यूमेंट में स्कैंडिनेवियन मुस्लिम्स, ये चारों कैपिटल को कंबाइन करना हो तो मुझे स्कैंडिनेवियन चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड क्या अमेरिकन मुस्लिम्स चाहिए। सो इनके अंदर इतना बड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जो डॉलर के पीछे अपनी अम्मी के हाथों या अबू के हाथों शिकार हो चुका है डॉलर के पीछे, और लगा हुआ कुछ भी कर लूं, सॉरी, यू नो ही इज द लीस्ट प्रोबेबल। जो उस जगह आपके अमेरिकन क्लैरिक्स के अंदर इतना कॉन्फ्रेंसिस के अंदर बेचारा पाया जा रहा है, उसको सबसे ज्यादा इजीली आप ग्रास्प करें, उसको ट्रेन करें कि भाई तू जो भी मजहब प्रैक्टिस करना चाह रहा है ना, जो बुद्धिज्म, मुसलमान नुमा बुद्धिस्ट तू बना हुआ इस वक्त, तू ताकत में तो आ, तू पॉलिटिक्स में तो आ, शाबाश, उसमें क्या है, पैसे तो बना, तुझे किसने रोका है, शाबाश आ ताकत में आ। और जब वो इस फ्लेवर को चखेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई अब तो मैं काफी कुछ कर सकता हूं, और मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद है, जाहिर है मुझे उनसे कम उम्मीद होगी जो इस वक्त ड्रग से और कत्लों से और रेप से नहीं बाहर आ सक रहे, जिनको यू नो विमेन विमेनाइजिंग से फुर्सत नहीं मिल रही उन लड़कों को, मैं उनको उनसे तो नहीं, मैं जो अमेरिका में हो या यू नो इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो उम्मीद आप उन्हीं से लगाएं। अब आपने सबसे कम उम्मीद आप किससे लगाएंगी, सबसे कम उम्मीद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसी मुसलमानों के रिलीजियस सेक्टर्स, ये है मसला अलमिया जिसपे मेरे आंसू निकल, दिस इज द प्रॉब्लम। इस आर्कीटाइप का जो अमेरिका के दीनी आर्कीटाइप है ना, उसका मैच पाकिस्तान के सेंट्रल लेफ्ट आर्कीटाइप से होता है, IQ भी, मॉरल एक्यूमेंट भी, राउंड अबाउट एक जैसा। मगर पाकिस्तान इंडिया के लड़के जो यूथ है वो 10 साल नहीं, उसको 30 साल लगेंगे, और उसकी परसेंटेज 1/10 भी नहीं होनी, 1/10 भी नहीं होनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्यूमेंट में ग्लोबली, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड के मुसलमानों की होनी। सो यू नीड टू सी द होल बकेट्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पड़ी, वो कैसे इस्तेमाल करना है, आपने किताबें पढ़ी, किनको बता दिए मैंने, किनको इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया, इकट्ठा कैसे करना है, अल्लाह ने कुरान पाक के थ्रू आपको इनके पैटर्न बताने हैं, कुरान में एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री पढ़े आप कुरान को एक दफा, फिर एज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी पढ़े दूसरी दोहराई में, तीसरी दफा आप कुरान पाक को एज अ बुक ऑफ पोलिटिकल साइंस, ठीक है, ये 3 दफा आपने कुरान ऐसे पढ़ना है, पहले बुक ऑफ हिस्ट्री के तौर पे, फिर बुक ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी के तौर पे, और फिर बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तब आपको पता चलेगा। पहले आपने सीरा की होगी तो कुरान पाक का प्री टेक्स्ट भी समझ आ जाएगा, हर आयत का प्री टेक्स्ट क्या है, पोस्ट टेक्स्ट क्या है, उस वक्त क्या चल रहा था, हदीसों को प्लेस करना आ जाएगा आपको, छोटा सा कोर्स बता रहा हूँ, 1-1.5 साल में हो जाता है, ठीक है। सीरा क्या, 6 महीने में आपको एक एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चल सकती है, 6 महीने में ज्यादा बताएं, कुरान पाक मैक्सिमम 6 मंथ्स, वन गो थ्रू एंड थ्रू, सेकेंड गो मैक्सिमम 3 मंथ्स लगेंगे, थर्ड गो मैक्सिमम 3 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। सो आई होप मैं आपको चॉम्सी से लेके फिंकलस्टीन, जोन पीटरसन से लेके यू नो पाकिस्तानी इंडियन इंग्लिश राइटर्स के नाम बताना शुरू करूं तो इट टेक यू अवे फ्रॉम वट वट इज एट योर एज गोइंग टू बी योर कोर, योर कोर शुड बी सीरा इन द कुरान फर्स्ट,
then you'll know. No, okay. I hope this is clear. I hope everyone gets the bigger answer of this girl, this child's question. I'm not going to call you child. I'm sorry. You're a 20-year-old adult, able woman, free Muslim woman. You're not a child anymore. You were a child less than more than 8 years ago. Okay, so now you're not a child. You better be performing, you better be performing better than any other girl in the world, in your own realm, which is the most sacred, most superior, and the classiest realm, which is the realm of Islam and the political side of Islam. Okay, that's the classiest and the most lucrative in the here and the hereafter. बस सामना बेटा एक बात याद रखना कि आखिरत की फतह मुसलमान के लिए दुनिया की फतह में। ओके बस ये याद रखना, दुनिया फतह करने आए हैं आप। दुनिया में से लाचार मर के नहीं उधर जाना, कहते हमने तो कुछ भी नहीं करना था। नहीं, आप दुनिया के फाते हैं और फाते की तरह सोचेंगे। अभी मैंने वो इंडियन मुफ्ती को नहीं कहा कि हमारी तरफ नजर ना डाल, शाबाश, रहे अपनी खानकाह में, बोने सब बोने सुधा, बोने सुधा जाके। हम आजाद मुसलमान हैं, हमें किसी का डर नहीं। ओके सो हम दुनिया, हम फाते हैं, हम मफतू नहीं है। मैं समझ सकता हूँ इंडियन मुसलमान मफतू है, खुद ही अपनी मर्जी से मफतू है। ठीक है, पाकिस्तानियों के पर तो नहीं लगे हुए थे, जिना के पर तो नहीं लगे हुए थे ना। विजन क्लियर होना जरूरी होता है। सो आप नेवर थिंक लाइक अ पर्सन हु इज अंडर प्रेशर। दोनों इस्लाम अंडर ड्यूरेस प्रैक्टिस नहीं होता। ओके अपने ऊपर सिर्फ अल्लाह का पहरा रखें, अपने ऊपर सिर्फ अल्लाह का राबता रखें। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुनाइट। हसन, कैन यू हियर मी? यस ओके, लेट्स कॉल इट अ नाइट, एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ द मुस्लिम थॉट लैंडस्केप, मुस्लिम लैंडस्केप ऑफ थिंकिंग क्या है, इसको कैसे देखना है। और अपने अपने उलमा से कहें तोबा, सूरह तोबा चाहिए। ठीक है, सूरह तोबा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास तो मीटिंग कंट्रोल ही नहीं है, मीटिंग ज्वाइन भी नहीं कर सकता हूँ।